अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आ रही। ईद मुबारक। मैं लिंक दे देती हूँ यार, ताकि ना मिसिस खैर भी आ जाए। मेरे ख्याल से वहाँ पे थी मिसिस खैर ना, तो आ जाओ बहनों। हाय मन्ना सिस्टर, हाय आरुही सिस्टर, वेलकम हो गया मेरी जान। कैसी हो आप? सॉरी यार, आज सच में बहुत परेशान हुई हूँ। आना आएंगी ना, उससे भी पूछना। लाइव एक तो लग नहीं रही थी, और फिर आना की कॉल आई। आना ने पूछी क्या हो गया, इतने स्केड्यूल लगा रही। होए मेरी मैया, फैमिली व्लॉग, मेरी जान की टोटी कहाँ थी? कहाँ थी मेरी जान? वेलकम हो गया फैमिली व्लॉग, मुंबई ब्लॉग। थैंक यू मेरी जान। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। शब्बो सुन सकती आज एयरपोर्ट में नहीं है। ए वेलकम हो गया हयात। यूनिकॉर्न सिस्टर वेलकम हो गया। खैर मुबारक, ईद मुबारक। शबनम में नजर नहीं आ रही, आ रही हो मेरी जान? इसीलिए तो पूछ रही हूँ कहाँ थी मेरी जान। हाँ यार, रमजान में सब बिजी चल रहे थे। फैमिली ब्लॉग, मैंने तुमको बहुत मिस किया मेरी जान की टटी। लव यू हो गया फैमिली ब्लॉग। आज क्या खाया तुमने? मैंने आज क्या खाया? अभी कुछ नहीं खाया है, वही रोजा खोलने के टाइम पे खाई थी ना, वही। ईद मुबारक पीर नुमान सिस्टर, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। क्या करेंगे आरोही सिस्टर, कुछ नहीं करते है। बस औरतों का क्या काम होता है? खाना वाना बनाओ, सबको खिलाओ, नहा धो के नमाज पढ़ो, तैयार हो थोड़ा बहुत, और फिर सो जाओ, यही होता है। सही टाइम उठो, फिर नींद नहीं आती थी, जब नींद आए तब बच्चों का स्कूल टाइम। हाँ यार, फैमिली ब्लॉग, ये बात भी है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक शबनम, कैसे हो? जान, खैर मुबारक, थैंक यू सो थैंक मच। यू। देखो मैं आपके लिए फ्रेश फ्रेश गुलाब जामुन लाई हूँ। गुलाब हाँ, वही बोल रही थी मैं, ये पिछले गुलाब जामुन को क्या हो गया? वो बट गए थे। नहीं, हमारी ईद नहीं थी ना यूनिकॉर्न, हमारी ईद कल है शबनम। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। लव यू मेरी जान, फैमिली व्लॉग। लव यू मेरी जान की टोटी, शबनम मत। फ्रेश है बिल्कुल। हाँ, अच्छा हुआ फ्रेश लाई। पुराने वाले किसके मुंह पे मारी? मार आई दुश्मनों के मुंह पे। चलो अच्छा सब पेंट लेके किया। बैठे होंगे टॉयलेट में। शुभ मत बोल, क्या काम होता है पूरा दिन बर्तन। हाँ यार, हाँ इंडिया में कल ईद है ना यार। चांदनी सिस्टर खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। आपको भी ईद मुबारक। आरजू सिस्टर थैंक यू मेरी जान, खैर मुबारक। हेलो नवीन सिस्टर, थैंक यू, खैर मुबारक नवीन शबनम सिस्टर। आपने लव क्या यू किया टू ईद पे? चांदनी सिस्टर। हाँ, आपने ईद पे क्या किया आज? हमारी ईद थोड़ी थी, आजकल है अभी हमारी, शुरू हुई है ना आपकी? अभी तो चांद रात चल रही है ना। ओ अच्छा, तो मैं ये गुलाब जामुन का लव दूसरा बना के लाऊं क्या? ये काम है हाँ मुझे, तो क्या, ये हलवाई थोड़ी, ये बना तो के खुश चांद हूं रात को ही मैं। खत्म हो जाए। अच्छा नहीं ठीक है, तो मैं आप, तो आपको बस विश करने आई हूँ। अभी मैं जॉब पे ही हूँ, तो फिर मैं बाद में आऊंगी। ठीक है, ठीक हो गया तुम्हारी आधी सैलरी कट। नहीं मत काटो यार, बड़ा क्रंच चल रहा है यार। मुझे ना 24 कैरेट की गोल्ड चेन खरीदनी है, मत काटो। ठीक चलो है ठीक चलो, हो गया, ठीक है। ईद मुबारक सबको, आपको भी और थैंक आपकी यू। फैमिली को भी। फिर बाद में आती हूँ थोड़ी 1-1.5 घंटे में। ठीक है, मैं सुन रही हूँ पर बैठ के आराम से। ठीक हो गया, ओके बाय। और सब बाय लोग लाइक कर बाय। दो भाई। हाँ लाइक कर दो प्लीज सब जने। रूपाली सिस्टर खैर मुबारक, थैंक यू मेरी जान। आपको भी ईद मुबारक, वेलकम हो गया। सभी आ जाओ जल्दी जल्दी। आज तो मुझे लगता है आधे लोग थक के जल्दी सो गए होंगे, क्योंकि ईद के दिन सब थके हुए होते हैं। एक तो पूरी रात, चांद रात की रात को सोए नहीं होते,
फिर यहाँ वहाँ आना जाना, सबसे मिलना जुलना, उसमें इतना थक जाते हैं कि मुझे नहीं लगता है आज ज्यादा लोग आएंगे। क्या कनार है नवी मुंबई, क्या तहलका न्यूज़ बताओ, बहुत मिस किया अपोल का लाइव एंड में लाइव लवली सीस। मतलब रूपाली सिस्टर, मैं समझी नहीं क्या बोल रहे हो। शबनम मंदी लगाई मेहंदी? नहीं मेरी जान, मैंने नहीं लगाई मेहंदी, नहीं लगाई मैंने। आप लोगों ने लगाई? सबने मेहंदी लगाई? का खबर, अच्छा खबर। थैंक यू पैमिला सिस्टर, थैंक यू मेरी जान। 29 रोजे हो तो वैसे भी चांद रात को ज्यादा काम करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल यार, ऐसे ही हो जाता है। ओके सही बात है। ओए आ जाओ, कौन आ रहा है, आ जाओ भाई ऊपर। एक मिनट हाँ। वालेकुम अस्सलाम कुकीन, कुकी सिस्टर, थैंक यू सो मच। एक मिनट, वेट यार, मैं ना किचन में आई हुई हूँ, कुछ काम कर लूँ। ये जो कह रही है ना, इनका काम है, कोई काम नहीं है इनका, ज्यादा मेरा काम है। यही तो ट्रिपल काम। क्या बोल रही हो जबिन सिस्टर? वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, वेलकम हो गया जबिन सिस्टर। कैसी हो मेरी जान की टोटी? क्या बनाए, क्या खाए, कैसी गई ईद बताना। दीवानगी की हद से। क्या बात है भाई, बहुत क्या है बोल रहे हो। पिटारा को ईद मुबारक करती करी तुम शबनम? नहीं यार रूपाली सिस्टर, मैंने नहीं करी, उसने खुद ने नहीं करी अपने ऑडियंस को ईद मुबारक। देखो क्या था, होली थी, हाँ होली थी, तो उसने फौरन लगा दी थी ना कम्युनिटी हैप्पी होली लिख के। लेकिन ईद के लिए उसने ना कोई चांद रात मुबारक लिखी, ना ईद मुबारक लिखी, कुछ नहीं लिखी भाई उसने। सीमा वेलकम हो गया मेरी जान की टोटी, कैसी हो सीमा? साबिया कैसी हो मेरी जान? बताओ यार आप लोगों की ईद कैसी गई, क्या बनाया ईद में, कहाँ कहाँ घूमने गए, मजा आया ईद वाले दिन? कौन कौन सोया ये बताओ, और कितना सोए? थैंक यू अयाना सिस्टर, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम हिना सिस्टर, थैंक यू मेरी जान की टोटी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम कुकी, खैर मुबारक, थैंक यू कुकी सिस्टर। प्लीज एवरी लाइव को लाइक करो, हाँ प्लीज लाइव को लाइक कर दो जल्दी जल्दी अच्छे बच्चों की तरह। एक मिनट हो यार, मुझे एक मिनट दो,
कोई आ भी नहीं रहा है, बोल ऊपर। हाँ यार डार्क यही होता है, काम काम और काम बस। अच्छा एक मिनट, मैं म्यूट हूँ। सॉरी यार, आज ना सच में बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है ना इसके लिए। क्या बोल रही हो? शबनम नादिया का पांडा लेके आई हो? नहीं यार मैं नहीं धो रही हूँ अभी पांडे, पांडे नहीं धो रही हूँ, दूसरे भी बहुत सारे काम अभी पड़े हुए हैं। सभी को ईद मुबारक। थैंक यू साबिया मेरी जान की टोटी। यार कोई आ जाओ ऊपर, अगर आ सकता है तो। मैं लिंक दे देती हूँ फिर से। लिंक में मैं पिन नहीं की क्या? अच्छा मैं पिन कर देती हूँ। पिन दिख रही है? लिंक पिन है तो सही ना यार। हाय हीना सिस्टर, वेलकम हो गया मेरी जान, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम मुस्कान, कैसी हो? वेलकम हो गया। जिन जिन की ईद हो गई है बताओ यार, ईद कैसी गई? कहाँ कहाँ घूमे, क्या खाए? और हयात मेहंदी का कलर कैसे आया है यार, बताओ तो सही ना। वालेकुम अस्सलाम, ये क्या है? संदर, वेलकम हो गया संदर। भाई पिटारा को देखो जरा, उसको पहले से ही पता था ना कि ईद होने वाली है, इसके लिए उसने सारे काम छोड़ी, पहले गई वैक्स करवाने के लिए। पता नहीं है इसको वैक्स करवाने की इतनी क्यों चुलम अच्छी रहती है, कोई काम हो ना हो बस वैक्स पहले करवाना है, और चुड़ैल जैसे नाखून पहले करवा लेने हैं इसको जाके, फेक नेल लगा के। वो तो वो रमजान में भी ना निकालती, लेकिन फिर जूते पड़ते ना इसके लिए उसने निकाली, और अभी फिर से लगा के आ गई। निकाल के अभी उसको 20-25 दिन हुआ होगा, फिर लगा के आ गई नेल, बेशरम कहीं की। ओके शाहिदा सिस्टर, शबनम जान, चांद रात मुबारक। और थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। कहाँ है भाई हमारी एमके, कहाँ चली गई? आदिया का तो पता ही नहीं है यार, पता नहीं कब आएंगी। शबनम मैं नाजिया हूँ। ए कौन सी नाजिया? जो हमारी नाजिया ऊपर आती है वो नाजिया हो आप? हाय हसन अली, वेलकम हो गया। अगर अपने चैनल खोलने वाला है वो, उसमें पिटारा की बजानेगा, भगवान मेरी इच्छा पूरी करे। अच्छा तुम्हारी इच्छा है ये पूजा सिस्टर, तुम्हारी इच्छा है तो फिर ठीक है ना यार, अच्छी इच्छा है, अल्लाह करे पूरी हो जाए। PhD नाजिया, आई है नाजिया, फिर तुमने क्यों बंद कर दिया यार वाला? आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये क्यों, क्या ये नाम क्यों चेंज कर दिया? सोनिया वापिस आ गई है इस टॉपिक पे? नहीं मुझे नहीं पता, पहले
पहली बात तो आज तो पूरा दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मैंने कल लाइव बंद की, उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखी कुछ नहीं सुनी, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि हुआ क्या है क्या नहीं। पता नहीं शांदना सिस्टर नहीं आई है, आ जाएंगी। आएंगी आएंगी, कहाँ जाएंगी भाई हमारी शांदना सिस्टर। नौसिन सिस्टर वालेकुम असलाम, वेलकम हो गया। बेटे की आईडी है, मेरे फोन चार्ज नहीं, अभी कुछ देर तक उसी से आएंगी। ठीक हो गया। ओके नाजिया सिस्टर, कोई बात नहीं। संजना बिजी होगी सेलिब्रेट में, हाँ ये हो सकता है। जबीनू सलमा सीस ने ब्लॉग में बताया असगर भाई चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। ओलो भाई, फिर तो फिर मजे ही मजे है पिटारा के हैं, पिटारा के फिर तो मजे ही मजे, रोज रोज असगर भाई को देखेंगी वो तो। हाय अल्लाह, फिर तो गोचू का जीना हराम है भाई, हैं क्या बात है। फिर वो रोज अजहर भाई को देख देख के परेशान करेंगी गोंचू को कि तेरी वजह से मुझे ये नहीं मिला, देख तू गोंचू मिला मेरे को, देख वो अजगर कितना अच्छा है, ऐसे बोल बोल के लड़ेंगी वो उससे। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। जिलानी सिस्टर वालेकुम असलाम मेरी जान, वेलकम हो गया, कैसे हो आप। रिएक्शन चैनल क्या किया तो जलील का क्या होगा। हाय अल्लाह जी, जलील का छोड़ो पूरी वाइटी का क्या होगा, अगर असगर भाई ने चैनल खोल लिए तो पूरी वाइटी ही पागल हो जाएंगी भाई। नाजिया सीज खैर मुबारक। ओके ये फैमिली व्लॉग फिर कहाँ गायब हो गई भाई, हाँ फिर गायब हो गई, ये यूनिवर्स कहाँ है। वालेकुम असलाम जैनब सिस्टर, वेलकम हो गया मेरी जान, कैसी हो आप, खैर मुबारक। कल सपने में जेंस की पिक देखनी सो मैंने छुपा दी। किसकी पिक्चर। हाय अन्नू, वेलकम हो गया मेरी जान, कैसी है अन्नू। थैंक यू अन्नू, खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, कल है हमारी ईद। नाइस सिस्टर वालेकुम अस्सलाम, वेलकम हो गया, कैसे हो आप। चांदनी आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा, बंद है कैमरा। चौधरीस्तान के अपडेट दो। उसका फोन चार्ज हो रहा है नाजिया का ना, फोन चार्ज हो जाएगा ना फिर वो देंगी अपडेट। अमिता सिस्टर ईद मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू मेरी जान, वेलकम हो गया, कैसी हो अमिता सिस्टर। इंडिया में चांद नजर नहीं आया। इस रोजे तो हो ही जाते ना, फिर नजर आए नहीं आए, 30 रोजे से ज्यादा रोजे हो ही नहीं सकते ना, तो ईद तो मनाना ही है भाई। लेकिन एक रोजा खा गए ना। केगन सिस्टर लव यू टू मेरी जान, वेलकम हो गया, किसी हो आप। वालेकुम अस्सलाम फरज सिस्टर, वेलकम हो गया, किसी हो आप। अच्छा पीछे जो भी चांदनी सिस्टर है ना, आपका कैम नहीं ऑन हो रहा है, आप सेटिंग करो तो कैम ऑन होगा ना, आपको मैं नहीं ले पा रही हूँ। हाँ सभी को ईद मुबारक, याद बहुत बहुत ईद मुबारक।
सबकी ईद की शॉपिंग और ईद की तैयारियां क्या होती है? और पिटारा की देखो ईद की तैयारियां क्या है, वैक्स करवाना। कितनी नेक खातून है ना। एक मिनट यार, चांदनी सिस्टर नहीं हो रहा है मेरी जान, नहीं ऐड हो पा रहे हो। क्या कह रही हो? अलादीन। अच्छा अलादीन कहाँ है भाई, मैंने नहीं देखी। बताओ भाई बताओ, इसकी ये ईद की तैयारी थी कि इसको ना वैक्स करवाना जरूरी था। कहाँ? अच्छा कल का इसका भाषण सुना था, जिम्मेदारियां हैं, हर एक चीज को लेके चलना है। देखो मैंने अभी तलक मेहंदी भी नहीं लगवाई, मैंने अभी तलक मेरी तैयारी नहीं की, मैंने वैक्स तक की नहीं करवाई। अरे ओए बीबी जी, सभी औरतों का यही हाल रहता है। उम्मे सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान। वालेकुम सलाम, कैसी हो? नहीं हो पा रहे हो आप ऐड? अब बंद कर दो कैम, ऑफ कर दो अपना कैम ऑफ का। हाँ बस हेलो हेलो शब हेलो शबनम सिस्टर। कैसे हो आप? हाँ बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, मुझे आ ही नहीं रहा था सेटिंग करना। हाँ फर्स्ट वो टाइम कैम मैं ऑन, लाइफ में आई। हाँ आपका कैम ऑन नहीं था ना, तो वो ऐड होने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। जी, हाँ जी बोले, आप कैसे हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ। मैं सलमा को बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए आपको फॉलो करती हूँ। थैंक और यू बहुत मेरी अच्छा जान। लग हाँ बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने डट के खड़े हुए हैं सलमा के साथ, तो हाँ अच्छा लगता है। वेरी नाइस। थैंक यू मेरी जान। सलमा ये मेरी आवाज है रिपीट हो ही रही है, एक, इसको क्या करना है? रुको मैं करती हूँ। आई आप चले गए हो, इको हो रहा था उनका ना, वो एक और सेटिंग रहती है ना, वो नहीं किए थे ना। मैं बिरयानी बनाऊंगी अमिता सिस्टर, इंशाल्लाह बिरयानी बनाऊंगी। जी चानी सिस्टर, मैं कर हाँ देती वो हूँ एडिट। अभी हो रही अच्छा है, रिपीट हो रही है? ठीक नहीं, अभी नहीं हो रही रिपीट। हो गया। आप भी यहीं से हो, इंडिया से हो? हेलो। और हाँ मैं मुंबई इंडिया की हूँ, मुंबई की हूँ। अच्छा। हाँ मेरे तो पड़ोसी हो आप? हाँ वही मैं रहती हूँ सेंट्रल साइड में। अच्छा हाँ तो आपसे थोड़ा मुंबई के हिसाब से दूरी हो गया एक तरह से, बट हाँ अच्छा लगता है हाँ कि हम मुंबई वालों में इतनी ताकत है कि हम लाइक कितना भी कोई हमको जोर दे तो भी हम क्या पिटारा की तरफ पहुंच नहीं रहे। बड़ी बात है। करना है, गंद के तरफ वही जाके ना। तो गंद के तरफ, वही ना। सलमा को सच में देख के, मतलब मैं तो हिंदू हूँ लेकिन मुझे जो पता ही नहीं था कि इस्लाम क्या होता है सब, तो सलमा के व्लॉग्स के थ्रू जाना है सब कुछ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ तो मेरे को क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी के बारे में पता था, हिंदू तो मैं हुई लेकिन इस्लाम के बारे में कभी भी नहीं पता था कुछ, तो वो भी जान लिया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना मतलब वो सब दिखाती है मस्जिद नबी और जियारत वगैरह सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब काफी अच्छा लगता है उसका जो व्लॉग्स है, इतनी पॉजिटिविटी भी देती है साथ में वो, थैंक यू मेरी सच में जान। ना यही थे, यही लिए तो सलमा को मैं प्यार करती हूँ ना, सच में क्योंकि ना। ना उसके वजह से ना हमारे रिलीजन की जो नहीं भी जानता है ना, वो जानने लग गया है। हाँ लोग सही रिस्पेक्ट बात है। करते हैं,
और ये जो है ना हाँ गंद, इसके वजह से ना हमारा रिलीजन गंदा हो रहा है विचार हाँ बेकार में, की मतलब वजह से। इन्हें इतना गंदगी उसने, मतलब वो तो अलग ही लेवल पे ले जाती है सब कुछ, बहुत गंदगी इसने मचा के रखी वही है। इसको ना। देखता है ना कोई तो पूछता है अल्लाह इस्लाम ऐसा है, मतलब वही अफसोस तो, करते हैं। और सलमा को देखते बदनाम हैं तो कर रही है बोलते पूरे हैं कमिन, हाँ, और सलमा को वही देखते हैं ना। ना तो बोलते हैं माशाल्लाह इस्लाम कितना अच्छा है। एकदम सही बोला है, मतलब इतना उसने, मतलब हिंदू लोगों ने भी इतना जाना है इस्लाम के बारे में, और इवन हमको बोलते हैं ना मिडिल ईस्ट के तरफ, जैसे यूएई और उस तरफ जहाँ पर जैसे मदीना वगैरह के बारे में हमने सिर्फ सुना था, लेकिन जब दिखाती है वो सब, इतना अच्छा लगता है कि कितना पवित्र धरती जैसे हम बोलेंगे वैसा लगता है एकदम, हाँ वही ना। बहुत अच्छा है, और उसके बच्चे वगैरह सब, उनके बोल चाल सब कुछ कितना अच्छा लगता है एकदम, मतलब अच्छा लगता है एकदम देख के। उसके व्लॉग्स देखो ना, तो हम दिन भर में कितने भी परेशान हुए हो तो काफी पॉजिटिव कर देती है वो मूड को एकदम। मुझे माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा लगता है ना शबनम बहन की, जैसे वो बहुत प्यार करती थी एक जमाने में पिटारा को एकदम अपने शायद बेटी जैसा उसने सोचा होगा जब वो उनके अच्छे रिलेशन थे, और आज टूटने के बाद सलमा का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पिटारा उसको मिस तो करती होंगी, इतना प्यार करने वाला तो कोई उसको मिला नहीं होगा पहले कभी, और ना इतने आगे अच्छे कभी से मिलेंगे। ना कभी मिलेगा, तो वो मिस तो जरूर करते होंगी उसको, वो तकलीफ तो होगी, मतलब भले वो कितना भी पैसा कमा ले कुछ भी कर ले, लेकिन जो भी उसको मिल रहा है ना सब नकली मिल रहा है, नकली, मतलब जिस जो असली प्यार होता है ना एक बड़ी बहन का था उसको, उसने वो गवा दिया पूरा। पता है एक मूवी थी जिसके अंदर क्या नाम है, जुदाई मूवी, उसके अंदर हाँ जब जुदाई, पैसे उसके पास में जब आते हैं तब वो कैसे पागल होती है, लेकिन जब उसके सच सारे में शौक पूरे हो जाते हैं ना तब उसको जाके हस्बैंड की कदर होती है। उसी तरह से ना एकदम सही एग्जाम्पल दिया आपने, एकदम सही एग्जाम्पल दिया। इसको ना अभी कदर नहीं आएंगी सलमा की, जब ये पैसे, जब इसका दिल भर जाएगा या जो लोग अभी इसको हाँ चाट रहे हैं ना, ये लोग इसको हाँ छोड़ देंगे ना, तब इसको एहसास होगा कि असली मोहब्बत क्या थी, कौन इसको सच्चे सही दिल बात से बोल प्यार रहे हैं, करता था। एकदम सही बात बोला आपने, क्योंकि वो अंदर मिस तो करती भी होगी तो वो बताएगी नहीं, बट मुझे तो लगता है इतना कोई हमको अगर पसंद करता था, ध्यान रखता था, वो सलमा जैसे उसको वहां से भी हेल्प करती थी फाइनेंशियली उतना सब, तो उसके बाद उसको अखरता तो होगा कि उसने एक बहुत अच्छी बंदी को अपने लाइफ से गवा दिया है। अरे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जैसे वही हम ना, करते हैं ना अपनी छोटी बहन को, हम जैसे सही बोलते है, हैं हमारी बेटी की जगह पे, वैसे हाँ। वो प्यार करती थी, और लेकिन इसने बस इतना बड़ा कदर धोखा नहीं दिया हुई। है उसको कि वो तो बाद में अच्छी हो गई है, आज दुनिया जानती है सलमा क्या है, कितनी अच्छी है, उसके हेटर्स वगैरह कमाने के लिए, आई मीन सलमा को जो पसंद नहीं करते वो जो भी बोलते होंगे उनके मतलब उनके लाइव्स में या जो भी, लेकिन वो भी अंदर से जानते हैं कि सलमा कितनी सच्ची है, सच्ची है हाँ, और वो सलमा की ताकत बहुत लोगों को ताकत देती है। मैं तो बोलती हूँ कितनी औरतें होंगी जो छोटी छोटी बात में डिप्रेस हो जाती होंगी या दुखी हो जाती होंगी, सलमा को इतना फाइटिंग मतलब एक स्पिरिट के साथ देख के उनको बहुत हिम्मत दिलाती है सलमा, हर तरीके से हिम्मत दिलाती है। बिल्कुल सब्र का जो उसने सिखाया है, मतलब सब्र करना क्या होता है, वो तो सच में सीखने लायक है। ये गाना गाती है हर बार के, मैं सबर वाली हूँ, मैं सबर वाली हूँ। जो ये सबर तो वाला होता है सिर्फ ना वो हाँ बोलता नहीं, दिखता बोलता नहीं है, उसका सब्र दूसरे को दिखने लगता है, वो बोलेगा नहीं कभी, ये तो है सिर्फ नौटंकी है, पूरी नौटंकी है, हाँ, दिखता है, हर तरफ क्योंकि से नौटंकी है। जब हाँ ये सारा जब हम लोगों ने खत्म किए थे ना सलमा ने और हम लोगों ने, तो सलमा ने हाँ ना मतलब हर एक चीज इन लोगों को दिखा के, हर एक चीज जैसे इन लोगों ने इसको मजबूर किए कि मस्जिदे नबी में जाके तू कसम खा तब हम लोग मानेंगे, हाँ और हाँ फिर इन हाँ लोगों ने बोले हमें क्या प्रूफ है तेरे पास में, वो हमें भेज, इसने वो सारा कुछ भी कर ली, फिर भी इन लोगों ने ना राइट जानबूझ के इसको झूठी 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 बोले ना। वो बोलते हैं ना हाँ इंसान है ना किसी को एक थप्पड़ कोई मारेगा ना हम भी एक मार लेंगे और उससे जीत जाएंगे, लेकिन झूठा जो होता है ना बराबर, उससे इंसान नहीं जीत सकता है, नहीं क्योंकि जीत झूठे सकता है बिल्कुल नहीं, झूठा झूठ पे झूठ बोलता ही जाता है ना,
फिर आखिरी सही बोला यही है, रह जाता है कि बस ऊपर वाले के फिर हाथ में छोड़ो। सलमा बराबर है। ने किस तरह से मतलब ये सारा कुछ छोड़ के हटी थी, उसने बोली थी नहीं अब मेरा अल्लाह जवाब देगा, अब मुझे किसी को भी कुछ नहीं बताना, जितना मुझे बताना था ना मैंने सबको प्रूफ भी दे दी, एकदम सारी कुछ बराबर, चीजें दे दी, लेकिन इन लोग सही बात है, मानना ही नहीं चाहते, सही बस ना। वो और दिन दिन है और पे आज दिन का दिन है। हमको बराबर है, और दिन पर दिन हमको दिख रहा है सलमा के चेहरे में, बोलते हैं ना एकदम पाकीज़ा लगती है वो, एकदम एकदम ही प्योर लगती है, बहुत प्योर लगती है। दिन पे दिन उसके जो नूर आ रहा है ना उसके चेहरे पर, जो जिस तरीके से वो भगवान मतलब अल्लाह को मानती है, और जिस तरीके से वो उनके ऊपर पूरा भरोसा रखती है, और उसने मतलब देखो हिंदू हूं मैं, बट मैं अपने भगवान को याद करती हूँ, जितने बार मैं देखती हूँ ना वो अपने भगवान को याद अस्सलाम करती है, मतलब अल्लाह को वालेकुम, याद करती है, तो मुझे वालेकुम इतनी इतनी मुझे उससे मतलब बोलते हैं ना प्रेरणा मिली है कि मैं भी अपने भगवान को उतना याद करती हूँ, पहले इतना नहीं याद करती थी जितना आज याद करती हूँ। तो मैं बोलती हर बात माशाल्लाह। पे जो शुक्रिया करना सिखाया उसने, हर बात पे उसने ग्रेटिट्यूड जो सिखाया है ना, वो बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत फैंटास्टिक है। बस यही बोलना था बिल्कुल मुझे शलभम बहन, एक बार आके आपसे बात करनी थी कि आप इतने अच्छे से उसका साथ दे रहे हैं, और हमारे मतलब हमारे को भी हिम्मत दे रहे हैं, हमको ये नहीं लगता है कि सलमा अकेली है आपके रहने की वजह से, तो बहुत थैंक यू आपको, ऐसे ही आप डटे थैंक रहिए। यू मेरी जान, थैंक यू हाँ, सो मच। नहीं मैं और अकेली नहीं हूँ, आप सब भी हो ना, मेरे साथ हो, जी जी सलमा के साथ हाँ हो। बराबर है, आपको चांद मुबारक, और आपकी भी ईद अच्छी हो कल, यही मेरी इच्छा है और प्रार्थना थैंक है। यू मेरी थैंक जान, हाँ थैंक यू थैंक यू सो मच, शबनम बहन, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू मेरी जान। जी शबनम, चांद रात मुबारक आपको और जितने भी पाकिस्तानी है सबको ईद मुबारक। हमारी तो ईद बड़ी अफरा तफरी वाली थी, अर्जेंट अर्जेंट वाली ईद थी अर्जेंट हमारी। मुझे लगता है हमारे मौलवी को ना उसकी फ्रेंड ने फोन किया होगा, ओ मुल्ला मैंने तुम्हें देख लिया अब कर दे ईद। पता नहीं यार, 2 साल से ही ऐसे हो रहा है ना वहां पे। चले कोई नहीं, बताए ईद कैसी गई। यार क्या ईद गई, सुबह फजर तक काम करते रहे, फिर खाना वांगना पकाया, सवैया सुबह ही मैंने पका ली थी, फिर नमाज के बाद खाना खाया, और मेरा ख्याल है 12 बजे तक का जो है ना, 11 12 बजे तक ना फारिग होके ना नहा धो के बच्चों को तैयार करके खुद मस्त सो गए। यही होता है ना नाजिया सिस्टर, घर के सारे काम हो जाते हैं ना, फिर इंसान नहा धो के नमाज वगैरह पढ़ के ना सो जाता है। ना मैं कहीं नहीं गई, मैं आज न बस सो के दिन गुजारा, शाम में इतने फोन आ चुके हुए थे ना सब के, तो बस फिर चंद एक को कॉल की, अब बंदा कितनों को वजाहते देखे, मैं थक गई थी और सो गई। मैंने कहा चलो कल मैं सुबह सुबह सबको पहले से कर लूंगी ताकि कोई एतराज ना करे। हाँ मुझे नहीं किया आपने। यार इधर लाहौर वाले ने ना उनके कॉल आ रही थी, अभी मैंने तकरीबन 10 बज रहे थे जब मैंने बाजी को किया ना, वो सोई हुई थी ना, उसने नींद में फोन उठाया और कह रही है तुम्हें अभी याद आया, मैंने कहा बाजी आपको नींद आ रही है ना तो आप सो जाओ फिर सुबह करते हैं बात। कह रही है दफा हो परा, जब मैं सारा दिन करती रही हूँ तेरे बच्चे उठा रहे थे, वो कह रहे मम्मा सो रही है, मम्मा सो रही है, तेरी सोने की ईद थी। मैंने कहा हाँ मेरी सोने की थी, तुम्हारी चांदी की थी। मैंने कहा अभी तुम्हें नींद आ रही है ना, नहीं नहीं मेरी ईद मेरी नींद हट गई है बस खत्म हो गई है, कर तू बात कर। फिर तकरीबन घंटा उनसे बात करती रही। अब आप इतना सोए हो तो फिर चौधरी स्थान तो घूमने गए नहीं होंगे।
हाँ अब ये होना है ना, देखो रमजान में आदत हो गई थी ना इस टाइम जागने की और दिन के टाइम सोने की, तो अब देखो मैं इस टाइम उठी हुई हूँ, तो फिर जब फजर का टाइम हो जाएगा फिर उसके बाद मुझे नींद आने लग जाएगी, फिर ये पता नहीं आदत अब कब ठीक होगी। नहीं हो जाएंगी यार, क्योंकि फिर अब रमजान खत्म होते हैं ना, तो फिर वही ना स्कूले वगैरह होने लगती है, हो जाती है, अब क्या ही कर सकते हैं ना। मेन कोई नहीं, जान हो रहा जाएगी तो अगर आहिस्ता हम आहिस्ता, सो दिन भी जावे ना। अपने, रातें भी अपनी है, चाहे सो चाहे काम करो, कौन सा किसी ने रोकना है या मना करना है, क्यों सो रहे और क्यों उठ रहे हैं, जॉब थोड़ी करती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। और बाकी सबकी कैसी ईद गुजरी, जो नीचे पाकिस्तानी हैं उनकी कैसी ईद गुजरी, और जिनकी कल है, आपने क्या पहनना है कल शबनम? मैंने सूट लेकर आई हूँ, एक क्या मतलब, ब्लैक ब्लैक कलर का लेकर आई हूँ। आए सेम थे ये, सेम यार, ये मातमी ईद थी, सबने ब्लैक पहनना। अच्छा आपने भी ब्लैक लाए। मैंने भी ब्लैक पहना है, मेरे बेटे ने भी तकरीबन ऐसा ही था, और मेरी छोटी वाली बेटी का भी तकरीबन ऐसा ही था, उसका भी ब्लैक और रेड का कंट्रास्ट में फ्रॉक थी, अभी बड़ी वाली वेलवेट ने के वो चल रहे पहना थे था ना। मस्टर्ड कलर का ना। वेलवेट ज्यादा दिख रहे थे मार्केट में। आए वेलवेट हमने तो भी लोन के बनाए हैं, मैंने बच्चों के भी लोन के बनाए, यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं नहीं, यहाँ अब पे भी ईदों बहुत पर मैं नहीं कभी गर्मी भी है। रेशमी बनाती भाई, ना तो टिश्यू ना अर्गेंजा ना नेट ना कोई रेशमी कोई कपड़ा जिनके नीचे अस्तर लगता है ना, वो तो मैं बनाती नहीं, जब से ये गर्मियों में ईदे आती है ना, हमेशा मैं लोन की बनाती हूँ। नहीं भाई इतनी गर्मी है कौन पहनेगा। मैं लोगों को रेशमी खरीदते हुए देखती हूँ ना, मुझे बड़ी हैरत होती है यार, कैसे पहन लेते हैं। मैं सिर्फ कोई शादी वगैरह होती है ना नजदीकी नजदीकी, जो शादी हो ना अपने बहन भाइयों में कहीं हो, चाचा ताए में हो, तो उनके लिए रेशमी सूट बनाती हूँ, अदरवाइज मैंने कभी रेशमी कपड़ा नहीं बनाया, और वो फिर पहने भी ना एक आध बार जाते हैं, ज्यादा पहने भी नहीं ना जाते, तो रेशमी मैं नहीं पहन खरीदती। मेरा ख्याल है मेरे भतीजे की शादी थी, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले, मई में 2 साल हो जाएंगे, तब मैंने रेशमी कपड़े बनाए थे, उसके बाद अभी तक नहीं, लोन ही खरीदती हूँ, मेरी सर्दी गर्मी लोन चलती है, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है। सही बात। यार लोन के अब इतने इतने महंगे होते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार का सूट होता है, रेशमी खरीदो या लोन खरीदो एक ही बात है। हाँ अभी सुमन पिक्चर में कोशिश करूंगी। सियोग जाने का है उसका कोई अता पता नहीं, आज आज हमारे एजाज जीजू ने भी कम्युनिटी डाली ईद मुबारक की। हाँ जी मैंने कमेंट किया, मैंने कहा मैंने बहुत दुआ की है रमजान में आपका दिल पिटारा बाजी से साफ हो जाए, आप अपना गंद अपने घर ले जा। सच में मैंने ऐसे ही लिखा नाजिया क्या क्या करके है। मैंने कहा आती रमजान में मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं कि आपका दिल ना हमारी पिटारा बाजी से साफ हो जाए, आपकी सुलह हो जाए, आप इस गंद को अपने घर ले संभाल लेना जी। जाओ। नहीं एहसास दिलाना चाहिए ना, अब देखो असगर वाला तो खाता गोल हो गया ना, तो क्या है हर्ज अगर एजाज के दिल में वापस इसका जागे, ये कोई माफी शाफी मांगे, वो कोई माफ शाफ कर दे, तो हमारी जान छूट जाएगी, ये जो रोज हम अपनी जुबान गंदी करते हैं ना, ये जान छूट जाएगी हमारी। नहीं तो एजाज ने इसको यही तो बोला था ना कि तुम यूट्यूब चैनल बंद करो, यूट्यूब चैनल छोड़ दो, तो इसने क्या करी एजाज को छोड़ दी। नहीं एजाज को इसने नहीं छोड़ा, ये एग्जाम है, एजाज ने इसको छोड़ा, जो सच्ची बात है ना, इसके मुंह काला करने के बाद जो जीजा के साथ इसने मुंह काला किया था ना, उसके वो बाद तो एजाज बाद ने में छोड़ ना, दिया वो इसको। तो बाद में ना जब इसका चैनल चल पड़ा था ना तब इसने एजाज को छोड़ी थी ना उल्लू बना के।
अब नहीं वो इसको मुंह लगाता, नहीं अब नहीं लगाएगा, मुझे नहीं लगता। तो करते हैं भाई, ले जाए अपनी गंदगी यहाँ से। आमीन, ले जाए तो बड़ा मजा आ जाए यार, सही में पूरा भाई ये दोनों भाग जाए, सारा पैसा वैसा भी लेके भाग जाए, घुंचू बाद में रो रो के वीडियो बनाए, ये फ्रॉड औरत थी, ये झूठ बोलती थी, कोई नहीं मेरी शादी हुई, यही मेरी बीवी थी जो भाग गई। हाँ सही में ऐसा हो गया तो मजा ही आ जाएंगी, मजा है। फिर हम घोंचू को व्यू दिया करेंगे, फिर हम घोंचू से हमदर्दी किया करेंगे, हाय बेचारा घर का रहा ना कुत्ता घाट का रहा। हाँ तो अनुपमा मैंने कब झूठ बोला, ये जाके देख के आई है। मैं जो करती हूँ ना मैं वही कहती हूँ। वालेकुम सलाम रजिया मेरी जान की टोटी, चांद मुबारक, थैंक यू, खैर मुबारक। रजिया आपने गोल्ड तो यार बड़ा पहना हुआ है, इतनी ही महंगी है सामियों। रजिया को उठा के लेके चलो, इसका गोल्ड चुराएंगे। रजिया को गुंडों ने घेर लिया। रजिया सुल्ताना गुंडों ने घेर लिया, अब सेट दे जाओ और चली जाओ। बहुतान बोलती रहती है, जिस पे लगा वो तो झूठी यार, बीबी की तो असलियत सामने है। और यार जितना जो है ना उसको आरजू कह रही है हार्ट देगा जीजू। हाँ देता है वो, उसको मैं इंस्टा पे भी करती हूँ ना तो वो हार्ट देता है। लव खा रही हूँ। ओ माय गॉड, हेलो आ गई। हाय सिद्रा सिस्टर, कहाँ है? हेलो, ये नीचे आ गई। अरे बाप रे, दिमाग की। हेलो, मैंने कल इतना तुम्हें याद किया, कल चांद रात थी, मैंने कहा हेलो देखो अब शैतान खुल गया है, आ जाओ तुम भी खुल के आ जाओ, आ जाओ हम सारे आम सेक्स करते। नहीं कल हेलो आके बोलती है पूरे, सुनो ना, कल हेलो आई बोलती है शबनम मेरे को मेहंदी लगाने देंगी के नहीं, तो मैंने ली लगा ले, तो बोलती है मैं मेहंदी लगाऊं कि मैं टाइपिंग करूं। मैं बोली नहीं, तो एक हाथ में मेहंदी लगा एक हाथ से टाइप कर। थैंक यू अमृत मान सिस्टर, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक, थैंक यू। हाँ यार अनुपमा, यही मुझे भी लगता है ना, वो उम्रे पे उम्रा करता जा रहा है। अब वो नेक हो गया तो पिटारा किधर जाएगी। हाँ भाई माफिया चालू है भाई, अल्लाह से माफिया मांगे जा रहा है, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह की माफी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, पता है ना। नहीं नहीं हेलो लगवा लो यार, लगवा लो बाद में कर लेंगे, कौन सा सेक्स कहीं भागा जा रहा है, कौन सी तुमने गोलियां खाई हुई है जो असर खत्म हो जाएगा। उसने मेहंदी कहाँ लगवाई है, वो तो देखो क्या बोल रही है। ओ अल्लाह जी, ये तूने अपने दगड़ को दिखाना, ठीक है। ईद मुबारक, वालेकुम अस्सलाम। लाई हेलो, यहाँ पर लगा के किसने दी है तुम्हें? हाँ ये पॉइंट की बात है, जो लगा के दी है वो बेचारी के इन दोनों जगहों पर लगाई किसने? हाय यार उसके शबनम, वो रंडी नहीं है इसकी दगड़ दल्ले की जो बड़ी वाली साली है, चमक चलो यार, ईद पर उसने अपने क्या थंबनेल डाला है। अब मर जाओ, कोई कीड़े पड़े तुम लोगों के हाथों में, कीड़े पड़े तुम लोगों की जुबानों पर, कैसी गंदी औरतें हो, कैसी नीच और गलीज लोग हो तुम लोग। क्या अपनी बेटियों हानिया के लिए लिखा है मेरी गंदी औलाद है, हानिया मेरी गंदी औलाद है। या अल्लाह, किस बात पर? कि उसका वो ब्लीच पाउडर था ना, जो ब्लीच होती है ना जॉनसन्स की, मेरा ख्याल उसकी ब्लीच थी, ब्लीच का जो लिक्विड था ना वो खत्म हो गया, जाहिर पाउडर ज्यादा होता है, वो पाउडर हमेशा बच ही जाता है, तो वो लिक्विड जो खत्म हो गया था ना उसकी बोतल खाली करके उसमें उसने ना पानी डाल लिया, और वो ना जैसे एक बच्चे होते हैं खेलते हैं ना, तो उसने कहा कि ये मेरी गुड़िया का ना पानी वाली बोतल है,
उस लिक्विड की बोतल को ना उसने अपनी खिलौनों के लिए इस्तेमाल कर लिया कि ये मेरी गुड़िया की ना पानी वाली बोतल है। उस बात पर खाली जो उसने बोतल इस्तेमाल की है ना उस बात पर उसे कहती है ये तो मेरी गंदी औलाद है और इसी चीज का उसने थंबनेल डाला है। अस्तग़फ़िरुल्लाह खुदा तुम लोगों की जुबानों पर हाथों पर कीड़े पड़े गर्क को जो कोई जमीन के अंदर कहीं दफन हो जब गंदे लोगों। नहीं नहीं नाजिया सिस्टर ये जानबूझ के ना वो बच्ची को गंदा कर रही है ये इसको सुनाने के लिए। और अपनी बहन को सजा दे रही है ना इनके मुंह पर जूते मार रही है। कितनी गलत बात है एक छोटी सी चीज के लिए तो अपनी औलाद। चल यार ठीक है तू माँ नहीं है तू बांझ है तेरा शोहर हिजड़ा है तू बांझ है लेकिन वो तो तेरी भांजी है ना भांजी मतलब माँ जाई होती है ना बहन तो उसी की बेटी है तो तू उसको क्या कह रही है छोटी सी मासूम सी बच्ची है यार उसको तू बोल क्या रही है ये मेरी गंदी औलाद है। वो जो माँ है उसको नहीं बुरा लग रहा है। ताशी थैंक यू डियर थैंक यू खैर मुबारक खैर मुबारक ताशी सिस्टर थैंक यू मेरी जान अलादीन वेलकम हो गया अलादीन के सवाल। हाँ बोलो भाई सवाल करो। ये जितनी गंद चीजें ये क्या इन लोगों ने गंद ला के वाइटी पर रख दिया है। दगड़ दल्ले तेरी अपनी खानदान कम था किस कदर गलीज और गंदे लोग हो तुम लोग और आपने जो तेरा ससुराल है वो तुम लोगों से भी चार हाथ आगे निकला है। बहुत गंदी और जो उसका बीमार है ना जिसके चार दिन से वो थंबनेल लगा रही थी उसका जिगर खत्म हो गया वो मरने वाला है वो उसको कैंसर हो गया वो अभी मरेगा कि कल मरेगा वो जो है ना उसके बैठ के ना तो पैरों पर उसके ब्लीच लगा रहा है ये शोहर की औकात है बैठ के ना उसके पैरों पर जमीन पर बैठ के ब्लीच लगा रहा है नौकरों की तरह और कह रही है हाय ना करो जी नदीम आप इतनी करोगे ना तो औरतें तो मेरे से जल जल के मर जाएंगी वो तो अपने शोहरों के ना बुरे हाल करके देंगी कि देखो नदीम कैसे अपनी बीवी की खिदमत करता है। कोई नहीं हमें ऐसी कोई शौक है किसी भी औरत को इतनी नीच कोई भी नहीं है कि अपने शोहरों को जो है ना पैरों पर हाथ लगवाएं और उनसे पैरों पर ब्लीचे करवाएं। ये तुम लोग टैक्सियां और रंडियां हो ये तुम्हारे शोहर नहीं है ये तुम्हारे दलाल है और दलाल है ना तो उनसे हर तरह की फिर सर्विस लेनी होती है ना। सही बात है। हेलो तेरे मुंह में खाक कह रही है मेरे दिलबर दल्ले के 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो। आग ना लगवा दे तेरे दल्ले के चैनल को तेरे दल्ले के गांड पे ना पेट्रोल छिड़क के आग लगा देनी है 1 मिलियन की कुछ लगती पागल। वालेकुम अस्सलाम शबुआ प्लीज करवा ले पिटारा ने भी कराई है तू भी करा ले साथ नाजिया बैड वर्ड ना यूज करे थैंक यू। हैं नहीं यार उसके साथ में नाजिया ने थोड़ी कुछ बोली है जी। मेरा सवाल नाजिया जी सो हाँ तो करो ना अलादीन आपका क्या सवाल है। नूरीन सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान कितनी टाइम के बाद आई हो। देखो ईद हो गई तो सब निकल निकल के बाहर आ रहे नाजिया सब गायब थे रमजान। दिलबर का क्या किसके नाम के साथ मुकद्दस नाम के साथ बैड वर्ड यूज किया। हेलो नहीं ये लाइव लाइव ने लिखा है ना लाइव ने मैंने किसके मुकद्दस नाम के साथ बैड वर्ड यूज किया हेलो मेरी जान है ये ना इसकी आंखें बाहर आ गई कह रही जो बोल रहा है बोलो किसी के बाप का नहीं खाते बिल्कुल हम अपने अपने घर से खाते हैं अपने अपने शोहरों की कमाई खाते हैं और ये हेलो तो बिल्कुल दगड़ की कमाई नहीं खाती है ना दगड़ तो बगैरत सिर्फ अपनी छमिया को पाल रहा है हालांकि सच्चा इश्क हेलो करती है।
मैंने सूरत यासीन का नाम नहीं लिया, ठीक है ना, बंदे का नाम बंदे का होता है और कुरान के बीच में लाने की हरगिज जरूरत नहीं है, समझ आई ना। हम जो बात करते हैं ना डियर, वो हम आपस में करते हैं, एक दूसरे को नाम से मुखातिब करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, इसमें कुरान का कोई अमल दखल नहीं है। अपनी सोच को ना जरा पॉजिटिव करो। इंसानों के साथ कुरान का कोई ताल्लुक नहीं है और हमारी तो ऐसी औकात ही नहीं है, अल्लाह माफ करे कि हमारा उनके नामों के साथ मुकाबला किया जाए। वो अलहदा चीज है, उसको दीन को अलहदा रहने दो। हमारी बातों में, हमारी लड़ाइयों में, हमारे जाती मामलात में कुरान और उसकी सूरतों का कोई अमल दखल नहीं है। और नाम की भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो नाम अगर वो बंदे का है तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, नहीं। जिनके ऊपर वो नाम था ना, उनकी इज्जत है, उनके नाम की इज्जत है। उसके जैसा सबने नाम रखे है ना, तो उन लोग की इज्जत नहीं है, उन लोगों को अपने नहीं रखना चाहिए। अपने नाम की हुर्मत का पास उन लोगों को खुद है। हमें फजूल की यार, ईद का दिन है, कोई फजूल के अभी टॉपिक ना खुलवाओ। वही ना, जबरदस्ती की बातें है ये। वो आत्मा के लिए भी बोलेंगे ये बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। अरे भाई, नाम अलग है, बंदा अलग है। वो जिनके ऊपर वो नाम है, बस उनकी इज्जत करना है। किसी भी बीवी हो के जो किसी के साथ जफियां पपियां करती फिर रही है, उसकी वो रेंट की बीवी बनी हुई है, ये कौसर को अपने नाम की हुर्मत का पास है? करती हैं अपने नाम के साथ इंसाफ, फिर ये हरकतें इसको जेब देती थी? या नाम नाम होते हैं, क्यों इस कदर छोटी सोच के मालिक हो आप लोग? ये तो बिल्कुल ऐसी बात है ना कि हम नाम रख ले अबू बकर और हमें कहें कि हमें अबू बकर जैसा मर्तबा मिल जाए। क्यों, हमारे अमाल वैसे हैं? नाम सिर्फ मुखातिब करने के लिए, पहचान करने के लिए होते हैं, उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है कि दीन के साथ उसको मिला दिया जाए। ये अपनी च्वाइस होती है हमारी कि हम अपने जो मुतबर हमारे लोग हैं उनके हम नाम रखना पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। नाम सिर्फ पहचान का एक जरिया है। लाइव मेरी हेलो को बिल्कुल नहीं आंखें दिखानी, मेरी हेलो बहुत प्यारी है। चलो यार, इस टॉपिक को वाइंड अप करो ना। हाँ छोड़ो, ये टॉपिक नहीं करो। अच्छा, ये दगड़ किसको धमकियां लगा रहा है कि मैं जो है ना स्ट्राइके दे दूंगा? ये किसको स्ट्राइके देने जा रहा है? क्या पता किसको भौंक रहा है ये। अब इसकी मेरा ख्याल है कि दो तीन दिन पहले एक जैम ने इस पर रिएक्शन दिया था और एक वर्दा ने दिया था, पता नहीं अब दोनों में से स्ट्राइके किसको देना चाह रहा है। और तेरी गांड में इतना दम नहीं है, समझ आई ना, दगड़ गले, तेरी गांड में इतना दम नहीं है कि तू किसी को स्ट्राइक दे दे। ऐवें फजूल में भौंकने की जरूरत नहीं है। अगलों की तरफ से सिर्फ नाम लिया जाता है ना कि हमने केच करना है, तो तुम हाथ जोड़ के माफियां मांगते हुए आ जाते हो। हाँ सही बात है, पिछली बार कर रहा था तो क्यों नहीं इसको जवाब दिया, आ गया माफी मांगने के लिए। और फिर झूठ की तरह बोलते हैं यार, जिनका ना सर ना पैर। मुझे तो किसी ने बोला था कि इसको ट्रोल करो। अच्छा तुझे कोई कहेगा कि जाके अपनी गांड मरवा लो तो मरवा लेना। अच्छा बोलना, मेरा कसूर नहीं है, गुनाह मुझे नहीं मिलेगा, जिसने मुझे बोला था ना उसको मिलेगा। अनिशा वेलकम हो गया मेरी जान, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। जाना कहाँ है पता नहीं, इसको कहीं जाना है या इसके पास किसी को आना है। मेरा ख्याल है कि किसी ने आना है।
भाई एजाज और असगर तो उम्रे पे उम्रा किए जा रहे हैं, तो आना किसने? वो भी तो है ना घर में रमजान, वो है ना काम चलाऊ, वो छोटी सी चीज जो घूम रही होती है, क्या उसका नाम है रमजान, वो रमजान शरीफ है ना उसके घर में। अल्लाह रमजान शरीफ नहीं बोलो। अब मुझे बताओ ना कि वो रमजान को स्ट्रॉबेरियां देती है, अब हम उसको रमजान के साथ मिलाएं तो क्या हम माह रमजान का कुछ कह रहे? नहीं रमजान नाम अलग है और रमदान नाम अलग है, दोनों अलग अलग नाम है। अनुपमा वही तो बात कर रही हूँ कि यार वो ना उसकी पिटारा की ना टोटल एक टांग जितना है बेचारा रमजान, क्या ही वो बेचारा कर पाएगा वहां पर। वो तो डरता बेचारा इसके हाथ से स्ट्रॉबेरियां नहीं ले रहा था। अच्छा लाइफ और हेलो, चुप हो जाओ मेरी जान, दोनों जने कोई बात नहीं यार, छोड़ दो इस बात को। हेलो जान ने छोड़ दो, दफा करो, पर ईद है ना, हम ईद मना रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारी मेहंदी किसने लगाई थी, तुमने जवाब नहीं दिया अभी तक। ये हयात को पकड़, इसने तेरे दिलबर को गौर से देखने की जुरत की तो की क्यों? ठीक है नाजिया शबो, बस तुम्हारे लिए चुप हो जाती हूँ, थैंक यू मेरी जान। लाइफ आप शबो हमारी हेलो जन हमारी प्यारी वाली जानू है। नहीं यार बहुत अच्छे, हमारी सभी बहनें बहुत अच्छी है। लेकिन हेलो तो फिर हेलो है ना यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हेलो कल कसम खुदा की ना मैं काम कर रही थी, मेरे जहन में ना तुम्हारी वो वाली बात घूम गई ना जहां पर तुमने दगड़ को बोला था कि आओ सेक्स करें, यार मैं अकेली इतना हंसी इस बात पे कि बेचारे के दिल पर क्या ही गुजरी होगी। थैंक यू लाइफ। नहीं मेरी जान आया करो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपस में नहीं लगा। कौन थी, किसने लगाई हेलो मेहंदी, किसने लगाई? हमें भी ले जाती ना, तू अकेली लगा के आ गई। सियोग किधर है आज, खा पी के लगता है सोस आ गए हैं सारे आज। हाँ ईद वाला दिन बहुत थकावट का होता है ना नाजिया। हाँ यार सारा दिन बस करते कराते, और पता नहीं क्या है कि ईद वाले दिन नींद बड़ी आती है, ये पता नहीं क्यों है, ये रात में जागते हैं ना वो वजह से। उसका देखा तुमने ये जो ये मलक मकार है, मलक मकार ने जो अपने थंबनेल पर पिक्चर यूज की है अपनी फातिमा की, यार उसके मेरा ख्याल है पार्लर वालर में थी, उसके बाल शाल कुछ कटिंग की है या कुछ किया, सर से दुपट्टा उतरा हुआ है और बड़ा वो बोल्ड सी तस्वीर थी, और डाला तो सिर्फ चेहरे का क्लिप है लेकिन देखने से लग रहा है कि कोई बोल्ड सी तस्वीर थी, तो क्या मतलब है ईद आई है तो क्या दुपट्टे शुपट्टे उतार के फेंक दिए, कहां इनके पर्दे नहीं खत्म होते थे और कहां ये आहिस्ता आहिस्ता अपने दुपट्टे उतार के तो नंगे होके घूमने लग गए। पैसे जैसे जैसे आ रहे है वैसे वैसे ही जलालत भी आ रही है, इज्जत कम होते जा रही है, जैसे अमीर होते जा रहे हैं वैसे वैसे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। वही बात है ना,
लेकिन इन लोगों को इतना नहीं पता कि अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह ले के भी आजमाता है। जब देने वाले जात अल्लाह की है ना, तो लेना भी जानता है। क्या फायदा होगा, सारा कुछ छीन जाएगा ना, फिर शांत हो जाएंगे। वही ना भाई, ये लोगों के ना माइंड सेट ऐसा है शबनम, कि ना इनको लगता है कि अगर बंदे के पास पैसा है ना, अगर क्लास अपनी शो करनी है ना, तो इसका मतलब है कि अपने कपड़े छोटे कर दो, अपने सर से दुपट्टा हटा दो, सीने से दुपट्टा हटा दो, तो फिर हम जो है ना अमीरजादियां लगेंगी। ये तुम लोगों की छोटी सोच है। किसने इतने कहा है कि सारे अगर क्लास जाहिर करनी है तो नाजिया, आप पता है इन लोगों ने ना, एक पिटारा ने ना एक बात दिमाग में लोग के डाली है कि औरतों की नुमाइश करो तो व्यूज ज्यादा आएंगे, बिल्कुल, समझ ये रही। बात तो है, लेकिन ये बात बहुत सारे तो है। चैनल है वाईटी पे जो ना औरतें नहीं आती है सामने, पर्दा करके भी ना उनके चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन इस जाहिलों को कौन बताए, अभी देखना ना थोड़े दिन में नजमा का भी फेस रिवील होगा, सबका होगा। नजमा का हो गया क्या यार, एक नाक इसका, वो नाक पता क्यों नहीं दिखाती है, सारा कुछ तो इसका है वाईटी पर पड़ा हुआ, मेरे पास तो उसकी ओरिजिनल पिक्चर भी पड़ी हुई है झाड़ू वाली चुड़ैल की, बगैर पर्दे के ना। लेकिन इसका मुंह ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह की बनाई हुई चीज पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन रज्जा इसका पड़ती नाक हूँ ना मैं। सच में दिखाने के काबिल भी नहीं है। तोते की तरह इसकी चोंच जैसे ना अंदर को नहीं मुड़ी मैं होती, इसका नाक जो है ना इसके मुंह के अंदर झांक रहा है, इस तरह का अजीब सा इसका नाक है, जिसकी वजह से ये आगे से कपड़ा नहीं हटाती, वरना ये कब से अपनी मुंह दिखाई करवा चुकी होती, दिखाने जैसा है कुछ नहीं है ना, इस वजह से वो दिखा नहीं रही। हाँ रजिया सिस्टर पढ़ ली यार, जिसको पैर चैन दिया खोल है वो के, बाल आएगा। खुले छोड़ के, गले में दुपट्टा डाल के, अपनी बेटी की शादी पर ये जो मेहंदी की पराते उठा के चल फिर रही थी, सर से दुपट्टा उतरा हुआ था, सर नंगा था, बाल खुले थे, ये पर्दा है, इसको कौन पर्दा कहता है। कह को जब बारात लेके जा रही थी तो कहाँ पर्दा था, सब तो उतार दी थी उसने। अच्छा कल ना मैंने एक टिकटॉक पर एक वीडियो देखी, मुझे उस आईडी का नाम नहीं अभी याद है, उसने उस औरत ने पता क्या किया, वो उसने ना वहां गई है शायद उमरा करने गई है, वहां पर ना उसने अपने सर की ना अपने रूम में जाके ना टिंड कर दी। मुझे ना ये चीज, वैसे तो अगर सीरियस में बताऊं ना तो मुझे ये चीज उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी एक अजीब सी मंतक थी, मुझे ना उसकी बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, मैं जज नहीं कर पाई कि इसको मैं अच्छा समझूं या बुरा, देखने में तो बहरहाल बुरा ही लग रहा था। वो औरत कहती है कि ये मेरे वो बाल थे जो दुनिया ने देखे हुए हैं, अब मैंने खुदा की रजा के लिए पर्दा करना, और अब जो टेंड कराने के बाद मेरे बाल आएंगे ना, वो इंशाल्लाह दुनिया का कोई मर्द या औरत को मैं देखने नहीं दूंगी, मर्द को तो खास तौर पर देखने नहीं दूंगी, तो जो पहले मेरे बाल थे ना जो लोगों ने देखे हुए, जो मर्दों ने भी देखे हुए, जो मैं खुले लेके घूमती थी, वो मैंने ये अल्लाह की रजा के लिए काट दिए। तो यार अल्लाह की रजा के लिए काटना तो कहीं भी जरूरी नहीं है, बस एक बार आपने सच्चे दिल से तोबा कर ली और अपने सर को आपने ढांक लिया, तो अल्लाह की रजा इसी में है, उसके बाद आपके बाल कभी नजर ना आए, अल्लाह इससे राजी है। अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया कि पहले एक बार जाके अपनी टिंड करो, अपनी हस्ती का मजाक बनवा लो, और फिर उसके बाद जो है ना तुम ये दावा करो कि अब जो बाल आएंगे ना वो मेरे कोई नहीं देखेगा। ये चीज मुझे ना जाती तौर पर पसंद नहीं आई, क्या कहती हो शबनम आप। सही बात है ना, जिस दिन बोलते है ना जब आंख खुले तब सवेरा है, जिस दिन भी एहसास हुआ बिल्कुल है माफी मांग ली है, अल्लाह बहुत बड़ा है भाई, अल्लाह रहीम है, अल्लाह माफ करीम है, करने हर वाला है, हालत में बिल्कुल। माफ अगर करने आपने वाला है। सच्चे दिल से रुजू कर लिया ना, सच्चे दिल से आपने दिल में ठान लिए कि जो मेरी गलतियां कोताहियां थी वो मेरा माजी है, आगे मैं ये नहीं करूंगी, तो अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम अपने इस तरह करके बेहुरमती करो, ये अल्लाह की दी हुई एक खूबसूरत चीज है औरत के लिए बाल ना, इससे औरतों की खूबसूरती मुकम्मल होती है, तुम इसको काट के उसकी तोहिन करके और उसके बाद उसको, इसको तो कैंची लगाना भी मना है, और तुम उसको काट के और फिर दावा कर रही हो कि ये मैंने अल्लाह की रजा के लिए काट दिए और मैं आगे जो मेरे बाल आएंगे ना वो मैं किसी मर्द को नजर नहीं आने दूंगी,
और फिर ये बात तुम कैमरे के सामने आके कह रही हो, टिंड भी लाइव दिखा रही हो और कैमरे के सामने आ रही हो, तो मुंह तो तुम्हारा फिर खुलेगा खुला है। फिर अपने मुंह पर भी ना मैं कहती हूँ कोई मशीन चढ़ा दो, गाड़ी चढ़ा दो, ताकि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ जाए, फिर जो नया आएगा ना वो लोगों को ना दिखाना। ये क्या बेवकूफी है यार, लोग किधर को जा रहे हैं, किस तरह की ज़हनियत पाल रहे हैं। बहुत ये से औरत ने ना एक नेगेटिव काम किया, मुझे तो इससे कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आई है, मुझे तो नहीं समझ आया कि इसने गलीज सी हरकत क्यों की और फिर उस पर ये कहना, दावा ये करना कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया। तो कहां पर अल्लाह ने कहा है क्या एक दफा तुम अपने आप की बेहुरमती अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद तौबा करना और मैं माफ कर दूंगा, ये तो अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया। ए कल्ब आई है क्या, कल्ब का है कल्ब जान, ये तो काफी दिनों से नजर नहीं आ रही ना, कल्ब किधर है? वही देख रही हूँ मैं कि कल्ब कहाँ है। हाँ यही बात है, हेलो ये दारू क्वीन की तरह ना वो बस पैसे और फेम के लिए है, वैसे शायद उसको कोई देखता ना हो, आम सी शक्ल सूरत की थी, लेकिन उसने ये ड्रामा किया कि लोग जो ना अब मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मुझे देखेंगे। और फिर इन लोगों के ना एक माइंड सेट होता है, बेशक नेगेटिव कमेंट आए, नेगेटिविटी हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पैसा तो उससे मिलेगा ना। मुझे तो असल मकसद ये लग रहा है, माफी मूफी का उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसी गलीज हरकत करके फिर माफी का वो बात करना, ये तो है ही सरासर गलत है। सही बात। और वाकई टिकटॉक की जो दुनिया है ना, टिकटॉक की जो आवाम है, उनका इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं, ये बात सच है। टिकटॉकर जो है ना वो इंसान नहीं है, वो दूसरी कोई चीज है, इनकी सोच इनके ख्यालात ना इंसानों जैसे है ही कोई नहीं। ये आदित्य किसकी बात कर रही हो तुम, कौन सी क्वीन की बात कर रही हो? दारो क्वीन है, एक पाकिस्तानी लड़की थी, बाहर रहती थी, उसके उसके हस्बैंड था, मेरे ख्याल दो बच्चे भी थे शायद, और टिकटॉकर थी, अच्छे से उसकी मैरिड लाइफ थी, लड़का भी अच्छा खूबसूरत है खुद, बल्कि मुझे वो दारो क्वीन इतनी पसंद कोई नहीं, इतने बड़े बड़े उसके डेले और सिर्फ मुंह पर दांत ही दांत हैं, बाकी बोटी नाम की तो चीज ही कोई नहीं है ना, कमजोरी का वो लेवल है बस, वो एक लड़कों की बनी हुई है क्वीन, दारो क्वीन के नाम से। अच्छा, अच्छी खासी उसकी मैरिड लाइफ थी, हस्बैंड के साथ खुश बाश, टिकटॉक बनाती, सब कुछ था, फिर अचानक सडनली उसके ना दूसरी शादी की खबर आ गई ना, महीना दो महीने जो है ना उसकी वीडियो नहीं आ रही थी कोई भी टिकटॉक पर, और फिर अचानक से ना उसकी शादी की न्यूज आ गई, सेकंड मैरिज की, और सेकंड मैरिज की किसके साथ है, जो लाइव करती थी ना टिकटॉक पे बैठ के, तो वो जो गिफ्ट सेंडर नहीं होते, हाँ, जब ये मेरा खेलते हैं तो इनको गिफ्ट सेंडिंग करते हैं ना, तो वो सेंडर था, अच्छा खासा पैसे वाला था, अपने शोहर को छोड़ के उस गिफ्टर के साथ शादी कर ली। ओए ओए कमाल है भाई, ये तो प्यारी नहीं है, बस चकली सी दांतों वाली थी, मोटे मोटे डेलों वाली, लेकिन बस लड़कों की वो फिल्टर इतने वो लगाए होते हैं ना, सबसे ज्यादा जो फिल्टर यूज होता है ना वो टिकटॉक पर होता है यार, काली सिया शक्लें ऐसे चिट्टी दूध जैसी बना के दिखा रहे होते हैं, और ये ये जो टिकटॉक वाले हैं ना ये खुद फिल्टर बनाते हैं, मुख्तलिफ फिल्टर आते हैं, पलकों के लिए, आंखों के कलर के लिए, आंखों का साइज बड़ा करना छोटा करना, लिप्स को एनहेंस करना छोटा करना, जैसा भी आप चाहो, आप उस पर उसके सिर्फ फिल्टर यूज करके ना आप अपने चेहरे का पूरा हुलिया बदल देते हो। सही,
वो देख के जो ठरकी होते हैं ना वो समझते हैं हाय इतनी सोनी कोई क्वीन मिल गई है हमें, इसी से हमने बात करनी है। यार मैंने देखा है लड़कियां मैच लगाती हैं और मैच में मैं कहती हूँ लाखों लाखों रुपए जो है ना इनको सेंड हो रहे होते हैं। बाप रे, पाकिस्तान के जितनी भी ये स्टेज ड्रामों की एक्टर्स वगैरह थी ना, जैसे दीदार है या खुशबू है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी एक्टर्स थी ना सारी, आपके इंडिया की राखी सावंत भी बैठती है टिकटॉक पे, उसका एक बल्कि क्लिप भी बड़ा मशहूर हुआ था ना, मैं बॉलीवुड की क्वीन क्या एटम गर्ल राखी सावंत, मेरे इतने बुरे हालात आ गए मैं बैठ के टिकटॉक पे लाइव मैच खेलती। नहीं तो यहाँ पे तो बैंड है ना। नहीं यार वो दुबई से करते हैं ना, इनके पास दुबई की आइडिया होती हैं। अच्छा दुबई से, यार पाकिस्तान में लाइव नहीं चलता, पाकिस्तान में लाइव पाकिस्तान टिकटॉक चलता है, लाइव यहाँ पर भी बैन है, लेकिन यहाँ पूरे पाकिस्तान खेल रहा है मैच भी और लाइव भी करते हैं, इन्होंने अपनी सिमें बाहर मुल्क से मंगवाई होती हैं, ज्यादातर सऊदीया दुबई वगैरह की इनके पास सिमें होती हैं, जो बड़े टिकटॉकर है ना वो हमेशा अमेरिकन सिम इस्तेमाल करते हैं, अपना अमेरिकन अकाउंट उनका होता है। अच्छा ऐसे भी होता है, बड़ा पैसा है यार इसमें बड़ा, लेकिन इज्जत टके की नहीं है। हाँ ये तो है। चलो ना जिया फिर अपन टिकटॉक पे जाएंगे तारा को गालियां देने। लाइव मैच करेंगे, बस एक सिम का इंतजाम करते हैं, और सुना है कि अमेरिकन सिम चाहिए होती है, तो यार अमेरिका वाली कोई बाजी सुन रही है ना, कुछ नहीं बस एक सिम दे दो। हाँ यार दे दो एक सीन मेरे को, नबनम ने और मैंने लाइव मैच खेलने हैं। हाँ चलो वहीं चलेंगे, वहीं पे बैठ के देंगे पिटारा को। ये बात हकीकत है शबनम, उसमें पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा है। हाँ ओके, यार पाकिस्तानी एक लड़का है मिस्टर पतलू के नाम से ना, बिल्कुल अनपढ़ और बिल्कुल देहाती, जीरो पर्सनैलिटी, जीरो एजुकेशन, जीरो स्टेटस, जीरो बिल्कुल बिल्कुल अलिफ कंगला जिसको कहते हैं, और वो जो है ना टिकटॉक पर लाइव मैच करता है, और उसका रिकॉर्ड है टिकटॉक पर उसके सबसे महंगे मैच, 5 मिनट का टोटल मैच होता है इसका टिकटॉक का, टोटल 5 मिनट होते हैं दोनों पार्टियों के पास मैच के लिए ना, 5 मिनट में उनको जितनी सेंडिंग हो जाए वो उनके मैच का वो तय करती है कौन जीता और कौन हारा, और मिस्टर पतलू का मेरा ख्याल है 45 करोड़ का एक मैच था, 45 करोड़ का, 5 मिनट में उसको लोगों ने 45 करोड़ रुपया सेंड किया। उसकी तो मतलब दुनिया ही बदल चुकी है, उसका स्टेटस ही बदल चुका है यहाँ पाकिस्तान में, उसके इतना बड़ा उसने गांव में अपने घर बनाया है, उसकी अम्मी की ये पिछले में 3-4 महीने पहले ना ये सर्दियों में उसकी माँ की डेथ हुई थी, वो आया है, उसका जो प्रोटोकॉल था मैं कहती हूँ किसी सियासतदान का भी क्या ही होगा जितना उसके यहाँ प्रोटोकॉल था, पैसा है ना यार, पाकिस्तान के जो ये शोज होते हैं ना जो ये चैनल्स पर चल रहे होते हैं रियलिटी शो या जो भी जिसमें गेस्ट को बुलाया जाता है, उसमें मिस्टर पतलू को बुलाया जाता है, उसकी स्टोरियां वगैरह पूछी जाती हैं किस तरह, और उसका कंटेंट ना पॉजिटिव जो चीज है उसका कंटेंट जो है ना बिल्कुल फैमिली बेस्ड होता है, आप उसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सुन सकते हो और इंजॉय कर सकते हो, मजाक उसका बिल्कुल नॉर्मल, कोई वल्गर बात नहीं, कोई कुछ नहीं, ये चीज उसको ज्यादा पॉपुलर करती है ना, कि कोई उसके अंदर ना वो चीज नहीं है, हरामजदगी नहीं है, बहुत सीधा सा देहाती सा और बहुत डिसेंट सा लड़का है। जब इन सिस्टर पूछ रही है कनाडा की सीम चलेंगी क्या,
हाँ जब इनू चलेंगी चलेंगी, जहाँ पे भी टिकटॉक बैन नहीं है ना वहाँ की सिम चलेंगी। सिम कहीं की भी आप चला सकते हो, देखो जहाँ जहाँ पर वो नहीं होती है ना बैन, वहाँ की आप लगा लो, इंग्लैंड की लगा लो, अमेरिका की, दुबई की, वो आपको आपके मुल्क में चला सकते हो। थैंक यू मिसाल, पाकिस्तान में नहीं है ना इसका इजाजत लाइव की, लेकिन पाकिस्तान के देहातों से लोग लाइव कर रहे होते। ईदी मिल गई, हाँ भाई ईदी मिल गई। थैंक यू मिसाल सैयद, मिसाल सैयद थैंक यू वेरी मच, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक मिसाल सैयद, आपको जमीन भेज दो, कनाडा वाली भी भेज दो, ये भी ओके अकाउंट होगा दे ही दो। हाँ फिर हम वहाँ चलेंगे गालियाँ देने, सभी माँ बहन एक करेंगे वहाँ बैठ के। फिर हम कनाडा से बैठ के ना पिटारा को गालियाँ देंगे। वही बोल रही हूँ, हम कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे गालियाँ दी जाए। हमने पिटारा को हर जगह फेमस कर रहे हैं भाई, हमारा मिशन है, हमने कहीं पर भी उसको वो नहीं रहने देना गुमनाम, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि पिटारा क्या चीज है। एक और मखलूक है, इसको भी फेमस करना है, वहीं बैठ के देखेंगे। बिल्कुल नादिया अभी तक नहीं आई ना? नहीं ना, नादिया को आज 3 दिन होने को आ गया है, गई है, आई नहीं अभी तक, बस अल्लाह खैर। नादिया ईद मिल लो आके फिर चली जाना। नहीं पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है लगता है ना, घरेलू मसला है क्या है? हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है यार, जिस तरह की बकवास होती है, कहीं उसकी फैमिली ने कुछ सुन तो नहीं लिया? नहीं नहीं ये वाईटी से कुछ नहीं है। अच्छा पर्सनल है, चलो अल्लाह ताला इसके लिए खैर करे। हाँ। जो भी उसकी परेशानी है अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से उसकी मदद करे और इस सिचुएशन से निकले वो। आमीन आमीन सुनामी। यार ये आरजू डियर बिल्कुल रुबीना जो है ना वो डाल रही है डेली के अपने जो व्लॉग होते हैं ना, अपने जो बच्चों की उसकी टिकटॉक होती है वो भी उठा के डाल देती है, अपने व्लॉग भी डालती है कभी, उसमें ज्यादातर उसके व्लॉगों पर ना वो गानों की डबिंग होती है, जो इमी डाकू के साथ जितनी भी चीजें शूट करती है ना, चाहे वो व्लॉग में कुछ चीजें नहीं भी डालती, वो अपने वो टिकटॉक आईडी पर डाल देती है, तो वो उसको कर रही है। मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द जो है ना ये लाइव भी करेगी, और दगड़ का मुझे नहीं पता है कि वो लाइव करता है कि नहीं करता है, मेरा ख्याल है अभी तक शायद इसको इल्म नहीं होगा इस बात का, होता तो मेरा ख्याल है कर चुका होता। अब आपने बता दिए ना, आप करेंगे देखना। हेलो तुम जाके बताओ ना उसको, फिर हम उधर जाया करेंगे, फिर तुम इसको बोलना कि उसमें ना देखो जो सेंडर होते हैं ना, गिफ्ट सेंडर जो होते हैं वो आपसे फरमाइशें भी करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये करें या वो करें, गाना गाएं या डांस करके दिखाएं, तो हेलो तुम कहना कि अपने कपड़े उतार के दिखाओ। नहीं ना ना जी, ऐसे आइडिया दो फिर मैं कैसे आऊंगी। नहीं ये मैं सिर्फ हेलो को दे रही हूँ, बाकी सारे कान बंद कर लो। देखो उसमें जो बड़ा होता है ना वो 1 लाख रुपए का शेयर होता है ना, हम उसको शेयर मारेंगे और उसमें बोलेंगे बस अब कपड़े उतारो। मैं क्यों जाऊं, मैं रुबीना चिनाल के बाप की रकेलू क्या? इस उम्र में आरजू डॉक्टर अमीन जो है ना रील्स बना रहा है इंस्टा की, हालांकि उसकी अपनी जान जिंदगी की रीलें खत्म होने वाली, वो इंस्टा पर लग गया बेवकूफ कहीं का। पैसे के बाप हाँ, क्या हो गया? यार तेरी सास है ना कर ये हेलो, क्यों उसको रुबीना चिनाल बोल रही है, तेरी सास है। देखो वो तुम्हारी जो सोकन है, क्या नाम है उसका, अच्छा मियाँ,
वो छमिया कहती है रुबीना माँ तुम भी कोई शर्म कर लो। ओए होए रुबीना माँ कहती है। हाँ उसको रुबीना माँ कहती है। वाह भाई वाह। आजकल गोंगलू मामू कहाँ है? कपड़े सीने में मेरा ख्याल है बहुत बिजी है। हाँ आजकल उसका नहीं पता लग रहा ना, वो कुछ कांड करने में बिजी है मेरे को लगता है। ओ भाई वो अपने आशिकों के मोहल्ले में आया हुआ है ना, यही की वो लड़कियां हैं जिनके साथ ये रिलेशन में था ना, आजकल उनके पास आया हुआ है, कपड़े शपड़े सी रहा है। और ये अच्छी खासी सिलाई लेता है, आम दर्जी अगर 1000 रुपया लेते हैं ना तो ये 1500 लेता है। अच्छा इसीलिए तो भाग भाग के यार कराची आता है कपड़े के लिए। बदनामे जमाना का भाई है ना वो फेमस। तो अपना टैक्स नहीं लेना वही तो। शबनम हेलो की सुन लीजिए। दिल भर दल्ले का मोटा ताले लंबा होगा। छी पागल हो गई है ये। हेलो ना। हाँ ये यार पागल है, सिर्फ दल्ले के इश्क में है ना। क्या पता मेरे को कभी कभी लगता है ये सनिया तो नहीं है। हेलो तू सही बता, तू छमिया तो नहीं है? छमिया है या आत्मा है, दोनों में से एक है ये। छमिया है ये, छमिया। मुझे तो ज्यादा शक छमक छल्लो का है, छमक छल्लो ना हो। हाँ वो भी हो सकती है। देखो छमिया का तो वो खसम है, छमिया की तो वो रीच में है, छमक छल्लो आहें भर रही है। आदित्य ये आपका बेड है या चारपाई है? अगर बेड है तो ठीक है, चारपाई है तो नीचे चेक करो पिटारा तो नहीं है। हाँ देखो नीचे छुपी होगी वो, हर किसी के चारपाई के नीचे घुस जाती है, ऊपर गुना होते हुए देखने के लिए। बेड है तो जानी ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर चारपाई है तो चेक कर लेना। सबको बहुत ईद मुबारक। हमारी पिटारा को ना बड़ी बुरी आदत है, वो लोगों की चारपाइयों के नीचे छुप जाती है जाके। थैंक यू माई शेड्यूल सिस्टर, थैंक यू मेरी जान, आपको भी मुबारक। आरजू की सुनो, कह रही है रुबीना ने सॉन्ग लगाया है, ईद हो गई मेरी मुझे चांद नजर आ गया। कमेंट आया हुआ टूटा हुआ चांद। या अल्लाह कितनी बेइज्जती है, क्या लोगों को बेइज्जती करा के मिलता है। उसका चैनल खुल गया यार, डॉक्टर इम्मी का खुल गया। हाँ उसके उसने परसों पर जो थंबनेल लगाया था डॉक्टर अमीन का चैनल की पहली वीडियो। वाह भाई वाह, यही करने तो आया था ना वो, कर लिया। तो इसी के लिए तो उसके साथ जुड़ा हुआ था कि भाई चैनल चल जाए, ये आसान तरीका है, नहीं तो इतने सालों से क्यों नहीं इसकी मोहब्बत जागी। हाँ और अभी थोड़े दिन में चले जाएंगा, फिर बोलेंगे अब आपस में लड़ लिए, ये हो गया वो हो गया, अलग तमाशे इनके अलग चालू हो जाएंगे। अच्छा इसने क्यों आज ये नागिन ने क्यों रोती धोती तस्वीर लगाई है? क्या पता आदत है ना जबरदस्ती का। वो पता नहीं सेक्शन का वो कुछ लिखा हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये नहीं समझ आई। कुछ नहीं है जानबूझ के करते हैं। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हमारी कोसर डार्लिंग को नहीं देखा तुमने हैं? नागिन कोसर से देखो आयरन लेडी, अगली वो करवा के तो बागी बागी घर भी आ गई, बागी बागी फिर हॉस्पिटल भी चली गई। सी सेक्शन भी होगा तो बड़ी बात है क्या? दुनिया में आजकल 70% औरतों का वही हो रहा है।
क्या हो गया? पूछ रही के नॉर्मल करवाऊं या ऑपरेशन वाला? ये क्या सही बात है भाई, ये क्या ड्रामा है? लोग बताएंगे कि डॉक्टर, सही बात है। अरे ये ड्रामे करते हैं यार ये लोग जानबूझ के ना, गंदे थंबनेल लगाने के लिए। थंबनेल कुछ होता है, अंदर जाएंगे तो कुछ और होता है। यार अगर सी सेक्शन हुआ तो देखो ये हमारी जो कोसरबाजी है, ये दूसरे दिन चल के गाड़ी में मजे मजे से घर आई और फिर आके अल्लाह की करनी सोफे पे बैठ गई। सी सेक्शन के बाद आते ही सोफे पे बैठ गई दूसरे दिन, और तीसरे दिन दोबारा बच्चे को इंजेक्शन लगवाने, नहीं बच्चे को लेने के लिए भी साथ गई और फिर बच्चे को इंजेक्शन लगवाने भी साथ गई। ये सी सेक्शन वाली का हाल है, तो फिर रोने की क्या जरूरत है भाई? इन्होंने सी सेक्शन पता नहीं किस चीज का नाम रखा हुआ है। नहीं वो बोल रही है वीडियो में, उसने सवाल किया ऑडियंस से कि नॉर्मल करवाऊं या सी सेक्शन। आई ऑडियंस से क्यों पूछ रही है? डॉक्टर बताएगा ना, चूतिया औरत। ये क्या सवाल हुआ भाई कि क्या करवाऊं? पागल औरत। ये सब ड्रामे होते हैं यार व्यूज लेने के लिए, रोती सूरत डाल के ना फिर व्यूज लेने का। किसका? उसके जैसा करवाया अर्जुन, ऐड का भी गोंचू जैसा। ऐड कौन है ये? अच्छा अहद का। हाँ, अहद के जैसा टकला करवा दी है ना। और बोल भी रही थी देखो तुम्हारे जैसा हो गया इसका हेयर स्टाइल, तुम्हारे जैसा। खुद ही मजाक उड़ा रही थी बैठ के गोंचू का। अजीब सी औरत है भाई ये। नाजिया गिर गई यार, शायद फोन बंद हो गया उसका। सूरज कुमार कौन हो आप? लाइक करो भाई सब जने। सूरज प्लीज कमेंट ना करो। क्या बोल रही हो? हेलो, अच्छा कमेंट करने बोल रही है। वाह भाई, फातिमा और दिलबर का क्या चल रहा है? वही चल रहा है ड्रामा। वो उसको बोलती है कि तू मुझे कैमरे में ना सबके सामने मत लिया कर, मेरी ऑडियंस नाराज हो जाएंगी, फिर मुझे व्यूज नहीं आते। ये बोलती है वो, क्योंकि आखिरकार इसने भी चूतिया बना ही ली ना, कि देखो मेरे को दिलबर ने धोखा दे दिया। सिंपैथी ले रही है पिटारा की तरह वो भी। ये कहाँ से घुस गए भाई लाइफ में? कौन है? हाँ क्या करेंगी देख के, एड़ी एड़ी हो गई है ये। हेलो, किसी को नहीं छोड़ती है। हाँ भाई सही में इसके इरादे ही ठीक नहीं लगते मुझे। पागल एड कंटेंट बेबी, वही है ना यार, वो भी कंटेंट है पिटारा का। और क्या नाम है, कौसर भी इसका कंटेंट है। बस और क्या ही कर सकते हैं लोग। आज चंदना सिस्टर नहीं आई, जबीनू सिस्टर भी आज चांद का चांद बनी हुई है, छुप जा रही है बार बार। यूनिवर्स भी नहीं आई। हेलो ईद कैसी गई? हेलो कहाँ गई थी घूमने ये तो बता। सूरज में अपनी बस एक कमीनी सूरज, ए सॉरी हेलो ऐसे नहीं बोल।
उसको कुछ और ही पैनल लगेगा, ये मत कर, फिर वो दूसरों के साथ में ऐसे कमेंट करेगा। हाँ ये बहुत लुच्ची है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। शब्बू मेरा प्लान है ईद का, कुछ प्लान नहीं है मेरी जान, क्या प्लान हो सकता है यार, कोई प्लान नहीं है। अरे हेलो छोड़ दे उसको, मेरी बात सुन, तूने ईद पे क्या क्या की, क्या क्या बनाई, क्या क्या खाए, कैसे तैयार हुई वो बता। छोड़ दे सूरज को, इसके चक्कर में नहीं पड़। डीडी है ना तेरे पास, बस काफी है, सूरज के पीछे नहीं लग। शब्बू देखो हमारी हेलो का रिश्ता आया है। अच्छा चलो भाई, योगे पे बैठ गई है, हेलो योगा कर रही है, शांत हो गई। जब ये शांत होती है ना तो फिर ये योगा करने लग जाती है। यार आज सबकी बैटरी लो है लग रहा, सब गायब है। जबीनू कहाँ चले गई, जबीनू सो तो नहीं गई है। आरजू भला बताओ मैं क्या साथ डॉक्टर फिर रहा और कुछ अवाम से रही जाहिल। हेलो आप हॉट हो तो शादी कर लूं किसी से। अच्छा आप हॉट हो तो किसी से भी शादी कर लो बोल रहे हो। छी गंदी कमीनी साली, बहुत गंदी है। हेलो तुच्छी, हाँ करूंगी ना अनुमशा सिस्टर, रोज करूंगी, क्यों नहीं करूंगी यार, लाइव तो करती हूं ना मैं। मैं भी मेरा नाम चेंज करने वाली हूँ, पता है क्या, मैं मेरे चैनल का नाम चेंज करूंगी। यार ये या एमके भी नहीं आई आज, एमके कहाँ चली गई, आरएस तो खैर आके चली गई, आना भी नहीं आई है। हेलो इसीलिए बोल रही थी तेरे को, नहीं बोल नहीं बोल, न्यू क्या रखोगी शब्बो। न्यू रखूंगी, अरे इकरा रखूंगी, इकरा चैनल का नाम ना, मैं इकरा रख लूंगा। सी सेक्शन यानी कि सिलाई पिटारा का करवा देती अपने बजाय, और क्या। बट कमीनी तू कर ले ऐसा नाम, कल पिटारा बनाएंगी ईद का स्पेगेटी, या अल्लाह 36 मिर्चियों वाली। देखो अर्जुन ने अपने डीपी लगा के आई है यार मेहंदी की, मैंने कल बोली थी ना सबको के सब जने लगा के आना, कोई नहीं लगा के आया, लेकिन आरजू ने लगा के आई। आरजू कितनी अच्छी बच्ची है, लेकिन तुम लोगों ने कोई ने भी नहीं लगाया ना। वालेकुम अस्सलाम शकीला मेरी जान, कैसी हो शकीला, वेलकम हो गया। बस ऐसे ही इकरा रखूंगी, हाँ अर्जु का ही होगा ना यार, और किसका है। एक
इतनी सी मेहंदी क्यों लगाई अर्जु? अरे नहीं आरजू, जंगल में ऐसे काम, जंगल में आते क्यों के एनिमल के हॉस्पिटल मुश्किल, कोई इसे ली। मैंने इतनी बकवास मेहंदी लगाई थी, क्या डीपी लगाऊं? अरे यार लगाओ ना, क्या है इसमें बकवास, क्या होता है? मेहंदी का कलर जो होता है ना, मेन खूबसूरती उसके अंदर होती है। लगाओ डीपी, लगा के आओ यार। अरे यार हयात लगाओ ना, क्या हो गया? ऐसे कुछ नहीं होता, जो कलर होता है ना मेहंदी का, उससे हाथ में देखो खूबसूरती आती है। सच में मेहंदी का कलर अगर अच्छा आए ना, तो डिजाइन कोई सी भी रहने दो, हाथ बहुत प्यारे लगते हैं। एक मिनट यार। क्या कह रहे हो? थैंक यू शकीला मेरी जान की टोटी, थैंक यू सो मच मेरी जान। हमारा गुलाब जामुन आ गया भाई। अरे यार क्या करूं, मिठाई नहीं बिक रही अपनी तो। अरे बेचना थोड़ी है, फेंक के मारना है। इसके अंदर पत्थर लगाने चाहिए थे, ये जो गुलाब जामुन है ना, इसके हाँ अंदर ना पत्थर डालने चाहिए थे, फिर फेंक के मारने मजा आता। यार आज एमके यार कहाँ गया? वे एमके नहीं आई आज। आज शायद ईद हुई था ना, तो सब बिजी होंगे ना शबनम। हाँ वहां पे आज ये टाइम पे दिन रहता है ना। हाँ जाहिर सी बात है हाँ यार। बिजी होंगे सब लोग, गेस्ट वेस्ट आते हैं, पार्टियां होती हैं, हाँ तो सही है। फिर और कल तुम बिजी हो जाओगी, तो तुम बोलोगी नहीं आज तो मैं नहीं। तो रात को करती हूँ ना हाँ लाइव, हाँ तो हाँ लाइव तो हाँ करूंगी ना मैं। हाँ कल मजा आएगा ना, आपकी भी ईद होगी सब, और यहाँ पे सब फ्री हो जाएंगे ईद से, तब आपकी लाइव में सब लोग आएंगे। हाँ वहां पे तब फ्री हो जाएंगे ना तब तक। आपको ईदी आई कि नहीं पिटारा से? नहीं भाई, नहीं भाई पिटारा क्या ईदी भेजेंगी किसी को? और अगर मेरी बहनों ने दिए थे तो भाई लोगों को तो बड़ी आग लग गई कि हाँ लगी ईदी ले रही है, बच्चे के बर्थडे के नाम पे झूठ बोल रही है। मतलब हर चीज में बोलना है, हर चीज में अपनी माँ मरवानी जरूर है रांडो को। वो नाक, वो क्या कहते हैं, नाक कटाने की आदत है ना, कहीं भी छोड़ हाँ दो, छोड़ दो, जाने दो, पागल है इनकी तो। अब हो गई ना, अब ये, अब वो सियोक बताएगी इनको। रमजान हो गया ना अब खत्म, रमजान खत्म। और नहीं यार कहीं नहीं जाएंगे घूमने, कहाँ जाएंगे? क्यों आप कहीं नहीं जाते, आसपास नहीं जाते, जैसे ये आपका लोनावला, खंडाला, नहीं बाबा, महाबलेश्वर? क्यों अच्छा नहीं लगता आपको? मुझे तो महाबलेश्वर बहुत पसंद है। देखो माय शेड्यूल ने कहा है मुझे आई दी, बड़ा था बॉक्स में, आधा बॉक्स खाली था। वैसे ओरिजिनली ईदी क्या पैसे देते थे ना पहले जमाने में, तो ईदी है अभी ना भी पैसे बड़े। ही देते हैं। अच्छा नहीं, मैंने तो ये पिटारा की देखे थे ना, बड़े बड़े टोकरे, सूट, साड़ियां, वो और तो क्या कहते हैं, जबरदस्ती के ड्रामे करती है। ऐसे ईदी किसको देते हैं मालूम है? जैसे लड़की लड़का की इंगेजमेंट हुई रहती है ना, तो
हाँ तो वो फिर ऐसा ही लड़की लगता है जैसे रिश्ता पक्का वो करना वही था चाहते हैं बेचते, वरना जैसे कि दी बोलते ना कि बच्चों को दी बड़ों को, जैसे जो ना। बड़े और बड़ों को, तो फिर वो पैसा देते हैं, ऐसे थोड़ी ये कपड़ा वगैरह ये वो सब देते हैं। हाँ अच्छा, नहीं ज्यादा आवाजें तो नहीं आ रही खट खट की, मैं कुछ काम कर नहीं रही हूँ। नहीं ओए सियोक को ईद मुबारक कर रही है, सियोक है नहीं इधर। सीओ का आज बहुत बिजी होगी, बिरयानियां बना रही होगी। नहीं भाई कल सियोक आई थी लाइव में तो बोल रही थी, उसने तो सारा काम निपटा चुकी थी, थक क्यों नहीं आई आज? आज उन्होंने लाइव भी नहीं की ना। गए होंगे ना। नहीं आज नहीं की इसने। आज तो मैंने कोई व्लॉग भी नहीं देखा। सलमा का व्लॉग नहीं आया ना? नहीं आया सलमा का, मैंने नहीं देखा। मैं शाह दोपहर तक चेक किया था मैंने, तब तक तो नहीं आया था, शायद लेट आया हो, या तो वो ईद की वजह हो से बिजी होगी ना। सब लोगों की सकता। वो उस दूसरे अपनी प्यारी बहन की तरह हवेली नहीं है ना। हाँ वही ना, उसकी तरह वेली रहती तो डाल देती। ओ अच्छा आया है सलमा आ का गया ब्लॉग आ गया, शो बाद में लेट आया शायद। भी। हाँ मैं अपने वर्ड्स वापस ले लूं। बाद ये बेबी नजर नहीं आएगा, आया तो अडॉप्ट है, अब यार मुझे तो नकली तेरे बेबी है। लग रहा है, सच्ची बोलूं मैं तो हिलते डुलते भी नहीं देखा बेबी नहीं को नहीं इतना। मैंने देखी यार बच्चा हिल डुलते हुए, हिलते डुलते अच्छा हुए देखा है? देखी हूँ अच्छा बच्चे को। हाँ बच्चा नकली नहीं है लेकिन हाँ अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है ये। कुछ पता नहीं, एक्टिंग के लिए ऐसे ही मांगती हो किसी के लिए, किसी से थोड़ा सा हो सकता है। वो जो उसकी वाइफ है, वो जिसके घर रहती है, वो प्रेग्नेंट हो, हमें क्या पता, दिखाती तो थी नहीं उसको। हो सकता है, लेकिन क्या हुआ था पता है, लोग जो बोले थे ना बच्चे को एक दिन हॉस्पिटल में रखेंगे फिर हम लेके आएंगे, तो मेरे को लगता है ना वो बच्चा अपनी माँ के साथ में हॉस्पिटल में था, जिस दिन उसकी माँ को छुट्टी मिली है ना उस दिन इन लोग ने जाके बच्चा लेके आए। हाँ क्योंकि जब तक बच्चा हॉस्पिटल में होता है माँ थोड़ा ना घर आती है यार। वही तो ना, ये बच्चे को छुट्टी मिली है ना उसकी माँ के साथ में मिली है, फिर इन लोगों ने ना लेके यार आए बच्चे को। फिर उस हिसाब से तो मैं कहती हूँ कौसर बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है, इसकी भी माँ है वो एक्टिंग में फिर। और बहुत अगर वो इतना साथ दे रही है तो फिर वो भी करप्ट है, उसके लिए भी ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है बेचारी कौसर, कौसर का ये, क्योंकि वो इतना साथ तो दे रही है, इसका मतलब वो भी करप्ट हो गई ना फिर बीच में। अच्छा, मैं देखूंगी, मैं शेड्यूल सिस्टर में देखूंगी। आई नादिया नहीं है? नादिया नादिया 2-3 दिन से कहाँ आ रही है? हाँ उसका, हाँ सच में। बोल के गई है, इसके बाद आई नहीं है ना वो। देखो ये बोल रही है ना, माई शल्लू हाफ व्लॉग में बच्चा नहीं था डॉल थी, और नेक्स्ट हाफ में बच्चा था। गौर से देखो, देखो मैं कह रही हूँ ना, मैंने जो देखा है मुझे वो ऐसे ही लगा है जैसे ना नकली हो, स्पेशली जो इसने शॉर्ट डाला है और इसने जो अपनी बेटी के हाथ में दिया था ना, वो नकली लग रहा था। मेरे को भी ऐसी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा जो पकड़ने का वो रहता है ना उसके अंदर बच्चा नहीं था, ये जबरदस्ती का ना हिला रही थी और उसके आयत के हाथ में दी हुई थी। हाँ ड्रामेबाज है एक नंबर की यार। मेरे को पर इसके ना, जो इसके वो है ना, जो इसके नीचे कमेंट्स में आते हैं, मुझे उनका समझ में नहीं आता। अंधे हैं, बहरे हैं, दिमाग के वो हैं कि क्या है, कि दिमाग नहीं है, कि देख के इतनी चूतिया तारीफें है, करते हैं। हाँ जो तारीफे करते हैं ना वो चूतिया है। अरे यार मैं आपको ना, मेरे को एक बात पे बहुत हंसी आ गई आपकी बात पे, लेकिन मैं बोल नहीं सकती अभी। मैं आपको कैसे पीछे बोल, बहुत लंबी बात है, कभी बात चल रही होगी ना तब बोलूंगी आपको। चूतिया से याद आ गया। तो बोल दो ना यार कोई बात नहीं। नहीं ये किसी और की बात है ना, अभी उसकी बात नहीं हो रही ना, बेकार में फिर आपके पीछे पड़ जाते हैं सारे। अच्छा वो चूतिया औरत की बात है क्या? नहीं जो उस चूतिया की सहेली है ना, जो बोलती दो ऐते तलती है वैते जलती है, उसकी बात पुरानी याद अच्छा आ गई मुझे, पुरानी बात उसकी चूतिया अच्छा की। वो तो है ही, उसको तो छोड़ ही दो ना, वो तो काम से गई है, वो तो खिसक गई है बिल्कुल। होता है ना
एंड आ जाता है किसी का, पागलपन तो वो हो चुका है। और फिर आप ग्रैंड लाइफ कब करने वाले हो? देखते हैं, अभी तो कोई ये नहीं है। सारी दोस्ते आए लाइव में, है ना? दोस्ते क्या मतलब, आप बोल रहे थे ना सब लोग आएंगे। अब तो रहमानी ने भी आना शुरू कर दिया ना, हिम्मत आ गई उसमें बहुत है। नहीं, वो सहरी के टाइम पे सब सोए रहते हैं ना उसके घर में, तो एक दो बार आ गई थी वो। वैसे उसकी ना स्टाइल बोलने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे वो बात करती है ना। हाँ, बस वो जो मेरे को पता है उससे क्या वो होती थी पहले, जब वो व्लॉग में बोलती थी ना ये व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, मेरे को गुस्सा आ जाता था कि अब तक कुछ होता नहीं था इतना इम्पोर्टेंट। लेकिन अच्छी लग, मतलब ऐसी बुरी नहीं है वो, अच्छी है। सोने की आवाज फेक लगी मुझे। अच्छा, मैं सुनूंगी अर्जू। हयात कह यार रही ये है पूरा, यार ये अर्जुन ना सही बोल रही है, ये पूरा सिनेरियो ही फेक लग रहा है। कौन अपने सौतेली, वो सौतेली नहीं क्या कहते हैं, कौन अपनी सौतन के बच्चे के साथ इतना प्यार करता है? मैंने तो लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना देखा है। आपने आज सलमा का वो शॉट देखा था जिसमें उसकी बेटी ने घर वो शरारा पहना हुआ था, छुटकू ने ईदी मांगने गया। किसका? सलमा का? हेलो, ये कहाँ चली गई? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही थी यार, मलाक सच में। इसका शॉट कितना अच्छा बनाया है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने पूरे घर का काम की, फिर वो सो गई, फिर उठी, तैयार हुई। मैं ईदी की बात कर रही थी, मैं खुद ही ईदी मांगने निकल गई। मैं वो डन दबा दिया, मैंने कमेंट पढ़ रही थी और ऊपर वो होता है ना क्रॉस की जगह डन दबा दिया। मैं बोल रही हूँ जो हाँ शरारा पहन के वो छुटकी ईदी मांगने का एक सॉन्ग लगाया, उसने देखा आपने? वो हाँ मस्त था इतना ना, प्यारा है, टचफुट इतनी बहुत क्यूट प्यारी लग लगती रही है। थी हाँ, माशाल्लाह। और वो पता है आपको, जब वो एक दिन मस्जिद गई थी ना, वहां पर जो ये शाम को जाती थी वहां पर, एक दिन ना ये सर पे, इसके भी सर पे वो पहनाया हुआ था ना स्कार्फ, तो हाँ एक दूसरा बंदा भी कह रहा है मैं इसकी वीडियो बना लूं, तो इतनी क्यूट लग रही थी वो, पूरा चलते चलते अब मस्जिद की तरफ जा रही थी अकेले, पीछे पीछे सलमा जा रही थी, बहुत ही प्यारी है। बहुत प्यारी है माशाल्लाह सलमा को। मैं बोलती हूँ ना, सब बच्चे उसके प्यारे हैं, लेकिन ये मलाक है ना, ये एक्स्ट्रा अलग प्यारी ही है। ऐसे लगता है कि उसके घर में ना बहुत बड़ी रौनक और बहुत खुशियां लेके आई है। वैसे तो सब लड़कियां अपने घर में खुशियां ही लाती हैं, लेकिन ये ऐसे अलग से लगता है ना कि ऐसे टाइम पे आई जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी कि कुछ खुशी आ जाए मेरे घर में, है ना? हाँ, और सच में आई है यार, वो खुशी बन के ही आई है, क्योंकि हाँ जो टाइम पे इसके माँ बाप का घर टूटने वाला था, वो टाइम पे ये आई है और बचाई है अपने माँ बाप का घर। और देखो ये अपने बाप के कितनी क्लोज है ना, जब देखो बाप से, और अब दादा से भी करती है, अब तो दादा की हाँ, काफी जब मिल गई है, और आई एम श्योर ये अपनी इसका नानी दादा से भी यहाँ से करती गया होगी। था तो पहचान नहीं रही थी, अब घुल मिल गई हाँ, है। अब घुल मिल गया, मुझे लगता है नानी से भी ये लोग दिखाते नहीं, पर मिल गई होगी, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई भी औरत ऐसी होगी जो इतना प्यारा बच्चा देख के मुंह बना के बैठती हो, खेलती होगी वो भी उसके हाँ, साथ। नहीं, घुल मिल गई होंगी वो बिल्लो आंटी के इतना साथ छोटा दिल भी। तो किसी का भी नहीं होता है, चाहे कितना सही भी गंदा बात इंसान हो। है, ये यहाँ पे जताने लगाती है ना पिटारा, कैसे कितनी गलत जताओ कि बात है यार, सलमा है ना? तुमको पसंद नहीं है, सलमा से तुम रिश्ता नहीं रखना चाहती हो, तो वो जानबूझ के वाइटी पे जताती। बहुत गलत बात है, ऐसे करना बहुत ही गलत बात है, पाप है। पता है अपने जिस उम्र में माँ बाप को बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में तुम अपनी माँ को बच्चों से भी अलग कर दो, हस्बैंड से भी अलग करने की कोशिश करो, और खुद उसको घर में नौकरी नौकरानी बना के रखो, कितनी गलत बात होती है। बहुत गलत बात है यार, गलत क्या, बल्कि मैं तो बोलती हूँ घटिया बात है। वो क्या कहते हैं उसको, गुनाह है, गुनाह। मिसिस खैर कहाँ चली गई भाई? जब ही आई थी आई थी मिसेस जबीनू खैर? कहाँ गायब थी जबीनू? हाँ, मैंने लाइव लगाई थी ना,
तो उसमें उसने मैसेज की थी ईद मुबारक यार का, आज उसके आप बाद लाइव में के नहीं साथ है। क्या गेम कर रहे थे? तीन तीन लाइव आ रही थी। तीन नहीं बहन, 13 लाइव लग गई थी। अच्छा मैंने इतना नहीं देखा। क्या हुआ पता है, लाइव है ना, मैं जहाँ पे स्केजुअल लगाती हूँ ना, मैं स्केजुअल लगा रही थी, स्केजुअल लग जा रहा था और लाइव वहां से गायब हो जा रही थी। मुझे लग रहा था नहीं लगा, फिर मैं लगा रही थी, फिर गायब हो जावे, मुझे लगा नहीं लगा। फिर मुझे आना ने कॉल की, बोले तू कर क्या रही है। मैंने क्या हो गया यार, स्केजुअल लगा रही हूँ, आज लाइव ही नहीं ऑन हो रही, पता नहीं क्या हो गया है। बोले बहन तूने 13 लाइवें लगा चुकी है। मिली और ऑन करने के लिए लाइव दिखना तो चाहिए ना, मेरे को दिख ही नहीं रही है। फिर और मैं भी जैसे तैसे करके लाइव लगी है यार, लाइव ही नहीं लग रही थी आज। यार, मेरी आवाज धीमी आती है क्या हाँ थोड़ी सी, यार? मैं तो मतलब बहुत तेज बोल रही हूँ अपनी तरफ से। एक मिनट में वॉल्यूम बढ़ाती हूँ, रुको। अनु मेहा सिंह बोल रही हूँ। अब बोलो, अभी अब बताओ, आप बताओ। अब बताओ सब जने। अब मेरी आवाज कैसी आ रही है दोस्तों? अब आ रही है ज्यादा। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा ही ना आ जाए कहीं। उस दिन वो भी बोल रही थी ना, तुम भिन भिन कर रहे हो दोनों। वो हाँ क्या है, यार, नूरी? वो नू नूरी हाँ नूरी आंटी भी, ए नूरी आर्ट भी आज लगता है ना थक आज हार सब के बिजी बेचारी सो है, गई। आज सब बिजी है, आज सब मजे कर रहे हैं। यार पाकिस्तान में तो अभी मेरे ख्याल से 2-2:30 बज रहे होंगे, सब सो रहे होंगे, थके होंगे ना यार पूरे दिन के। अरे ईद खूब खा पी के खुश वाला के दिन सोए ना, होंगे आज सारे। हाँ ईद वाला दिन ना बहुत ज्यादा ये रहता है यार, मतलब इतना काम नहीं रहता है, जाहिर सी बात है रात रात में ही औरतें सारा काम कर लेती है फजर के टाइम पे ना, लेकिन फिर भी ना ईद वाला दिन बहुत भारी रहता है। ऐसा लगता है ना कि बस नींद आ रही है, नींद आ रही है। कल देखना मैं भी लाइव करते करते ना सोते रहूं। ये आरजू की मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है ना, हाँ बहुत प्यारी लगाई है। आपने नहीं लगाई मेहंदी? नहीं, हाँ मैंने नहीं लगाई, और चू अब आज लगाओगे? आज चांद रात है ना आप बोल रहे हो। नहीं मैं नहीं लगाऊंगी मेहंदी, अच्छा मैं चू, लगाऊंगी भी ना तो ईद के बाद लगाऊंगी। अच्छा फिर दिखाना लाइव, वो फेस रिवील करना, अपने हाथों का फेस रिवील करना। इंशाल्लाह। हाथों का फेस रिवील। ठीक है, और फिर आप, अब आप कह रहे थे ना आप इसके बाद रमजान के बाद फिर वो भी डालोगे अपने, मेरे को तो आपकी केक की रेसिपीज देखनी है, केक अच्छा केक की देखनी है, इंशाल्लाह की। डालूंगी यार हाँ केक की, मैंने आपका उसके एक लिए भी देखा थोड़ा है बहुत केक का वीडियो, सामान। हाँ बहुत उसके अच्छा लिए ना लगा। सामान थोड़ी सी ये करनी है ना, ये किसने आपको भेजा है स्टिकर? नाम देखो। ये क्या नाम है। अब इसका थैंक यू कैसे बोलूं। थैंक यू सो मच मेरी जान, लेकिन ये क्या डीपी है, क्या नाम है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हंसी आ रही है मुझे देख के, ये डीपी और और देखो नाम। इसने फोटो, हाँ डीपी किसने उसकी लगा रखी है ना, वो ये कौन एड़ी की है, ये डीपी लगा के। कौन है, ये कौन है, ये नाम देख कहीं के मुझे सियोक तो अजीब। नहीं है? नहीं नहीं यार, चेंज चेंज करके आई हो नाम वाम, पता नहीं 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 चलता। नहीं आईडी पहले से है ना, पहले से आती है ये अच्छा आईडी, मैंने कभी नहीं देखा, मैं कभी ऐसे पढ़ती नहीं हूँ ज्यादातर। क्योंकि कमेंट करती है ना ये आईडी तो मुझे पता है। थैंक बड़ी यू मजे सो की मच। अच्छा आइडिया उसको ये कह रही है शकीला, कह रही है चूतिया थैंक यू सो मच स्टिकर के लिए। यही तो मैं नहीं बोलना चाहती थी। इंग्लिश में अच्छा सही बोल रही है आरजू, वेकेशन वेरी बोल दो। स्मार्ट आरजू, इंग्लिश में वेकेशन बोल दो, सही अच्छा है। थैंक यू सो मच वेकेशन, थैंक हाँ ये यू तो मेरी बहुत स्मार्ट जान। बात की है आरजू ने। बोली ना मेरे पास में कोई नहीं, हीरे भरे हुए है भाई। हाँ भाई।
वो हीरा लगा के आ गई शकीला, देखो अपने वहां पे, है ना। हीरा लगा हुआ ही है ना उसकी आईडी पे, अच्छा मैंने ध्यान तभी नहीं हीरा करी लगा लगा यार। के आओ भाई, तुम लोग सब जने मेरे हीरे हो, कोई और हीरे। अरे शबनम, तुम हीरे और गोल्ड की बात ही मत करो। क्यों महंगा हो गया, इसके लिए अटैक आ जाता है। नहीं, क्योंकि मेरे पास ना सारी 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी है, सब, वो अच्छा भी बाद में बताऊंगी। सारी 24 कैरेट गोल्ड की, आपने कभी सुना है 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी? 24 कैरेट देते ही नहीं है। नहीं, मैं बचपन से गोल्ड में खेल रही हूँ, मेरे पास सारी 24 कैरेट गोल्ड है। मर के तुमको स्वर्ग में नहीं जाना है ना, इतना झूठ, इतना झूठ, अल्लाह रहम करे। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बचपन से, क्या बोलूँ, गोल्ड में ही खेल रही हूँ और मैं बचपन से देख रही हूँ। पता है आपको, मैंने अपना एक ज्वेलर रखा हुआ है, जो जैसे मैं ज्वेलरी खरीदती हूँ ना 24 कैरेट गोल्ड, तो वो चेक करता है जेनुइन है नहीं, फिर मैं हाँ बोलती हूँ कि हाँ रख लो, तो फिर सारी 24 कैरेट ही है मेरे पास। तोबा तोबा तोबा। आपको चाहिए भेज दूँ? नहीं, इतना झूठ नहीं बोलने का। चूरन मत दो, मुझे पता है जब होगा ही नहीं तो भेजोगी कहाँ से, और भेजोगी नहीं तो चूरन मत दो। नहीं, है, मैं कैसे बताऊं, है भरा पड़ा है, मैं जिस रूम में हूँ ना, बड़ी मुश्किल से घुसी हूँ, क्योंकि गोल्ड के अंदर से तैर तैर के घुसना पड़ता है। अरे अल्लाह, इतना गोल्ड है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन किया ये फेकम फाक? बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज तुम मेरी बातें सुनो और फिर रात को हंसना। अच्छा, अच्छा मैं वो वाली पीछे बात भी तो बोलती हूँ सुनो, वो एक कड़ा होता है ना, कड़ा जो 24 कैरेट का होता है, उसमें 3 रस्सियां होती है, जिसकी चुतिया बनी, जिसकी तूतिया बनी होती है। या अल्लाह। बात सुनो, उसमें पता है चुटिया चुटिया नहीं होती, हम चुटिया बनाते हैं ना सर में, तो तोतली बोलती है तुतिया, जिसकी चुटिया बनी होती है, तो उसमें से एक ने बोला क्या, कितनी चुटिया थैंक यू, अभी मेरे को समझ आ रहा है ये चूतिया कौन है, अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। यार ये क्या नाम रख के आ गई यार, तुम्हारा नाम बढ़िया सा करो इन्हें यार, सही है नाम, अच्छा नाम है, देखो कितने प्यार से आई है, लाल लाल, ये फिर से इसने दिया है आपको, है ना, ये। या वही मुझे तो दोनों? बोल रही हूं मैं, ये आपकी कोई बहुत बड़ी फैन है। ये फैन नहीं ये बहन है। अभी जाके मैंने चेक की हूँ ये कौन है। कौन है, सीओ क्या, फिर नहीं, कौन है? रुको, बोलना नहीं है। नहीं, मैं क्यों बोलूंगी, अच्छा मामा पापा की शहजादी मलाक फैन पे। थैंक यू सो मच मेरी जान, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू मेरी जान की टोटी। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तानी मोम, मेरी जान कैसी हो आप? ये पाकिस्तानी मॉम कौन है? NKS से? अच्छा, मैं तो डर गई, मैंने बोला कि मैं क्या बोल रही हूँ गलत जगह बैठ के। अच्छा, ईद मुबारक मॉम लाइफ, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। और ये चूतिया आईडी आप, थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। चूतिया आईडी। और क्या बोलूं यार, नाम ही ऐसी अरे रखी, चूतिया आईडी के स्टिकर देख के सारे चूतिए और चूतिए हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे सब। हाँ, तो चूतिया पागल ही तो होता है। सबो प्लीज शेयर करो ईदी। ओके मेरी जान जबीन, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, मेरी कलेजे का टुकड़ा, खाली तुम हुकुम करो जबीनू।
शबनम, ये जमीन बहुत पुरानी है ना आपके चैनल पे? हाँ मेरे चैनल पे पुरानी है लेकिन दुनिया में पुरानी नहीं है। वो इतनी स्मार्ट है ना, इतनी मस्त दिखती हाँ है माशाल्लाह। हाँ ये पता नहीं क्यों अपने आप को ना बुढ़ी समझती है। ऐसे हाँ मेरा गुर्दा, मेरा फेफड़ा, ये मेरा भी कोई मॉडलिंग कलेजा। वॉडलिंग तो नहीं करती? कौन, जबीनू? हाँ नहीं, नजर लग जाएंगी मेरी जबीनू को। ये कोई रजिया पूछ रही है, चुतिया क्या है? चुतिया मतलब जो अरे सर में चोटी बनाते हैं ना, तीन बाल लेके, वो लगाई। पता नहीं कौन है यार, बस हमारी सब्सक्राइबर है, सपोर्टर है, हमारी बहन है, बहुत प्यारी सी, हमारी लाड़की लल्लो है। मतलब कौन है? हाँ वही ना, देखो क्या जमीन बोल रही है बोल रही है यार जबीन। इसमें बाइक बोल रही। तो जमीन एक बार ना पैनल पे आके बात करो, नहीं तो मैं मानूंगी नहीं कि आप तोतले हो। ईद मुबारक रे गोस्वामी सिस्टर, थैंक यू मेरी जान जी। अगर तोड़, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान की टोटी, ईद मुबारक, कैसी हो? क्या बात है, तुमने तो आना ही छोड़ दिया है भाई, क्या बात है। हाँ मेरी वेल विशर है यार, कोई और नाम से थी, अब नाम उसने चेंज करके चूतिया कर लिया है, तो अब क्या कर सकते बताओ। उसका दिमाग घूम गया भाई। हाँ उसने पागल होके ना डीपी लगा ली है, पिटारा की रोती सूरत की, और नाम रख लिया है चूतिया। मेरा बच्चा मैंने नहीं लगाई रजिया, मैं ईद बाद लगाऊंगी, मैंने मेहंदी लगाना छोड़ दिया है ईद पे। रजिया बोल रही है कि उसकी मेहंदी लग गई है, आपसे नहीं पूछ रही हो। अच्छा, कैसी लगाई यार? पिक्चर लगाओ ना डीपी पे ताकि हम भी तो देखे ना, है ना ARS। शबनम आपने क्यों लगाना छोड़ दिया? बस यार अब दिल नहीं करता। अच्छा देखो जमीन बोल रही है यहां से आवाज दे रही हूँ, नीचे आ जाओ चुतिया ARS मैं यहां से आवाज दे रही हूँ, आ जाओ नीचे, हम चुतियापा करते। बहुत नॉटी हो गई है हमारी जबीनू, जबीनू डार्लिंग। मैं लड़का रहती है, जबीनू लड़का रहती ना, मैं जबीनू के साथ में शादी कर लेती। आप सही में जबीनू की बातें, जबीनू का दिल इतना अच्छा है ना माशाल्लाह, सभी बहनों का बहुत अच्छा है लेकिन जबीनू का बहुत अच्छा दिल है यार, बहुत अच्छी इंसान है ये। वायदा हो सिस्टर गई ईद मुबारक मेरी जान, क्या कह रही है? चिया गस्तो शब्बो दी, मैंने लास्ट असरे में बहुत बिजी रही, मॉम अब्रॉड गई हुई, घर की जिम्मेदारी मेरी थी। ओके मेरी जान की टोटी, कोई बात नहीं, सभी शब्बो आ जाओ, करिए अब तो वुमेन टू वुमेन चलता है। लेकिन मेरे बच्चे है, मेरे मियाँ है, मैं उनको लेकर आऊँ बता दो, फिर मैं आती हूँ, नेक्स्ट फ्लाइट मेरी बुक करवा दो। जब इन्हें बोलेंगी कि देखो लाद दो, लगाने वाला भी साथ दो। लो चलो, जमीन के ऊपर अनुपमा भी फिदा है। पहले अन्नू आती थी, अब क्यों नहीं आती ऊपर? यार अन्नू के पास में जो नेटवर्क है ना, उसकी माँ का, उसकी बहुत गंदा नेटवर्क है। पर आती है तो इस इसकी टाइम पता आधी है, आवाज आती है, आधी से ज्यादा बात चली सुनो उसको जाती। बोलो, अन्नू इस टाइम इतनी, ये इंडिया में है ना आधी रात के भी बात का टाइम है, अभी नेटवर्क सही होगा तुम्हारा, लोग सो रहे होंगे ना, नेटवर्क कम यूज हो रहा होगा सच में। नहीं इसको, वो जहाँ पे अभी शिफ्ट हुई है ना, वहां पे उसके मोबाइल का नेटवर्क नहीं चल रहा। है ही नहीं? अच्छा हाँ है ही नहीं। लो जबीन ने भी आपको ये दिया, जबीन ईदी। ओए, थैंक यू जबीनू ओ मेरी ये जान मेरे की को दिया है भाई टोटी। गुलाब जामुन के लिए, आपको नहीं दिया, मेरे को भेज देना चुपचाप। जबीन हाँ आप खा लो देखो सारे देखो गुलाब मेरी जामुन। जबीनू कितनी अच्छी है यार। हाँ अब जबीन खाएगी सारे गुलाब जामुन।
जब इनो जुलाब ना शुरू हो जाए मेरी जान कहीं पे, किसी को जुलाब छूट गए तो फिर बोलना मत। अनुपमा बोल रही है आरिस, एयरटेल हराम ज्यादा नेटवर्क। अनुपमा जियो लो, जियो बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, जियो लो और जीने दो। हाँ, जब इनू जुलाब छूट जाते है मेरी जान, बोलती है देखो देखो कैसे इतनी को ला लेती, देखो देखो कैसे ले ली थी, देखो। नहीं देखो स्टिकर मांग रही थी, थैंक यू बोलती है, स्टिकर आते तो थैंक यू, तो और क्या बोलेगी, स्टिकर आएगा तो थैंक यू नहीं बोलेगी, तो क्या पागल बोलेगी। औरत, कहती थैंक यू तो है बोलना आप, बनता है ना। तुम तो बोलते हो ना जब स्टिकर आता, अरे इसको भड़काने वाले भी बहुत बैठे होते हैं, एक सिर्फ वहां पे एक है जिस पर बहुत अक्कल है, बहुत स्मार्ट है, मुझे बहुत पसंद है, वो है ए के। वो कभी फालतू बात नहीं करती, कभी किसकी जब अगर उससे रिलेटेड बात नहीं होती ना शबनम, तो वो कभी बकवास नहीं करती, वो आराम से अपना, इन लोग बकवास नहीं सुनती, करती नहीं, सुनती नहीं है, चली जाती है जब उसको लगता है ना कि ज्यादा ही झूठ बोल रहे हैं, वो निकल जाती है वहां से, खिसक जाती है। नहीं यार, एक के बहुत सेंसिबल है, फिर हाँ भी बहुत मैं तो बोल सेंसिबल रही है, हूँ एक एक को यूज भी किया जा रहा है, लेकिन खैर नहीं यार मेरे होगी। लिए, मेरे दिल में है एक एक के लिए ना दोस्ती, बोलते ना नहीं, कहीं और ना मैं तुम्हें एक कहीं बात है। बताऊं, एके जाएगी नहीं, एके को जितना मैंने सुना है ना वो नहीं जाएगी, वो अपना दिमाग यूज करती है पूरा, वो किसी की बातों में नहीं आती, क्योंकि मैंने एक दो बार देखा, इन्होंने उसको जो भड़काया ना, तो उसने बोला मैंने नहीं देखा तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए नहीं बोल रही तो मेरा कोई मतलब नहीं, तो बोलती है ऐसे। सही बात है। और नहीं उसका यार, वैसे भी वो आपसे क्या बंदी है, कुछ ठीक भी है, वो नहीं है। बंदी, और उसको पता है मैं भी क्या हूं ना, वो सेंसिबल है यार, बचकानी हरकतें नहीं है उसके अंदर, बचकानी मतलब नहीं नहीं वो बचकानी नहीं है वो। देखो उसका बिया से जो भी है, वो उसका अपना जो भी है वो अलग है, लेकिन वो आपके लिए मैंने कभी, मैं कभी कभी सुनती हूँ नहीं, कि वो हाँ आई मैंने, है मेन बिया के लिए बस, उसका कोई दूसरा टारगेट नहीं है, किसी से उसको आपके लिए कोई मैंने, मतलब और मैंने नहीं ये है। भी देखा है शबनम, जब आपके लिए बहुत ज्यादा गलत बात हो रही होती है, या तो वो टॉपिक चेंज करती है फिर भी नहीं कर पाती, तो वो निकल जाती है कि मैं अभी बाद में आऊंगी, कुछ भी कह के निकल जाती है, हाँ, और यही नाजिया ऐसे भी ही होना करती है। चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए कि अगर के अगर हम चुप नहीं करवा सकते ना, तो फिर हम हट जाए वहां से, ऐसे ही नहीं तो होना वहां की चाहिए। तो ऊपर बैठ के और कोई काम ही नहीं है, उनको तो और कोई काम ही नहीं है। हाँ, एक ही सेंसिबल है यार, अच्छी है, इंशाल्लाह अल्लाह उसकी भी आंखें खोलेगा परवरदिगार। ये अनु बोल रही है एके चली गई वाइटी छोड़ के, क्यों, उसने कमेंट करा था वो ना लाइव देखेंगी और वाईटी अकाउंट डिलीट कर देंगी, क्यों भाई। यार तंग आ गई होगी ना, देखो ना जबरदस्ती अगर आप किसी को बोलो कि नहीं तुम्हें, कैनेडियन इज लेस्बियन, कब बोली यार अन्नू, मुस्कान देखो क्या बोल रही है अच्छा पढ़ी पढ़ी मैंने। अच्छा सीज कर ले क्या, कल बैंड बजेगी ना आत्मा की या नहीं? अभी सब कुछ सरप्राइज है। चलो अच्छी बात है यार, अगर खुल गई है। वैसे भी वो किस चीज के लिए आई थी ना, वो चीज में रहती है, वो फालतू के पड्डों में नहीं नहीं पड़ती नहीं है। मैंने नहीं देखा उसको वो कभी भी, बोलती बहुत है बार क्या सुना। पता है कि मेरे लिए अगर कोई कुछ नहीं बोला है, मेरे लिए अगर वो बंदे ने नहीं बोला है ना, तो मैं तो नहीं बोलूंगी, तो मेरे यही सामने बात इसका है ना, टॉपिक मत यही लाओ, ठीक उसका बात मत है। लाओ, और जबान पे भी ना वो रहती है अपने, जैसे जब भी उसने बोल के आई थी ना डॉली को कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी पिटारा के ऊपर बात, तो वो नहीं कर रही थी, फिर उसने फिर दूसरी बार जाके बोल के आई कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन वो औरत नहीं मानती है भाई, उसकी गारंटी मैं नहीं लेती, और ये किसकी? ऐसी औरत है ना, यही आत्मा की, अच्छा अच्छा और ये ऐसी औरत है ना, इसको कितना भी हम लोगों ने इसको कितना हटाने की कोशिश की है, ये सब गंदे से बिया के ग्रुप से, क्या नाम है, क्या नाम है यार उसका,
ताहिरा के ग्रुप से। हम लोग बोले तू उनको देखी मत ना, तो उनको जवाब दे, रोज रोज के पढ़े क्यों होंगे, तू अपना टॉपिक पे बात कर। लेकिन नहीं भाई, नहीं सुनती है वो, बिल्कुल नहीं सुनती है। वालेकुम अस्सलाम शमा सिस्टर, ईद मुबारक मेरी जान। मुस्कान मुनवीन स्टिकर मार रही है, 45 वॉचिंग पे, घटिया औरत। शब मुझे भी कैसे से न्यूज़ मिला। अच्छा, कोई नहीं यार। यार मैंने ब्लैक कलर का एक ऐसे ही सादा सा सूट ली हूँ, सादा सा मिली मीन्स के क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी सूट ही बोला जाएगा ना यार। सलवार कमीज। हाँ, नीचे पैंट टाइप है और लेस वगैरह लगी हुई है, और ब्लैक कलर की कुर्ती है, उसपे भी लेस वगैरह का काम हुआ हुआ है। अच्छा है, मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। फेस खाली अपना ब्लर करके ना पिक्चर डालूंगी, पहली पहली बार पहले पहली पूछ पहली रही हूँ। बार अभी से पूछूंगी मैं, डाल दूँ मेरी पिक्चर, बोलेंगी ना हाँ डाल दो, तो फिर मैं डालूंगी, बोलेंगी नो नेवर, तो फिर मैं नहीं डालूंगी। ब्लैक कलर के साथ कलर चूड़ियां पहनना बहुत सारी, फिर नहीं, डालना। ब्लैक चूड़ियां ही लेकर आई हूँ मैंने। पता अरे ब्लैक के साथ कलर बहुत, जैसे आप कलर पहनते हो ना, अलग अलग कलर बहुत है सारे क्या है, आते जहाँ पे हैं। मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे नहीं मिलता यार कुछ इतना, मतलब खास मिलता नहीं है, क्योंकि ना अच्छा, यहाँ पे मिक्स है ना, क्रिश्चियन भी बहुत सारे है, हिंदू भी बहुत सारे है, और मुस्लिम भी उतने है, मतलब पूरा एकदम डिवाइड हुआ पड़ा है, तो इतना कुछ खास है ना एक के लिए नहीं मिलता है। जैसे जैसे वहां चले आएंगे ना, मोहम्मद अली रोड, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है, तो वहां पे बहुत सारा मिलेगा, यहाँ पे ना मिक्सअप मिलता है, तो फिर इतना कुछ नहीं मिलता ना, थोड़ा बहुत माल मंगाते हैं। जैसे ईद आएंगी ना, ईद के लिए थोड़ा बहुत माल मंगाएंगे यहाँ के दुकान वाले, दिवाली आएंगी तो दिवाली के लिए थोड़ा बहुत मंगाएंगे, और क्या नाम है, क्या नाम यार ये जो अभी गया, गुड फ्राइडे, ये सब आएगा उनके लिए थोड़ा बहुत, ऐसे ना सामान यहाँ पे जल्दी मिलता नहीं है ज्यादा। मोहम्मद अली रोड अच्छा, चले जाओगे ना, तो वहां पे मतलब यही सारी चीजें है बस। आपके घर से दूर है मोहम्मद अली रोड? हाँ यार, यहाँ से दूर है थोड़ा। वो खाने के लिए बहुत फेमस है ना, अपने खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए भी, हर एक चीज के लिए। यार चार्जिंग खत्म हो गई, आप बात करो मैं चार्जिंग लगा लेती हूँ। हाँ, मेरी भी बैटरी जा रही है। हाँ, अच्छा आप बात करो, मैं 2 मिनट में मैं लेकर बात कर आती रही हूँ हूँ। चार्जर। हाँ सही बोल रही है, ऑनलाइन मंगा लेना था, कमाल हो गया। सही है ये, इसका चला नहीं दिमाग। अनुपमा, आप नॉर्थ में रहते हो कहीं, नॉर्थ इंडिया में? हाँ मेरी भी जा रही है बैटरी, और पता है मैंने चार्जर पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, अब जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अच्छा, दिल्ली में, वहां पे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है? थैंक यू अनुपमा। गाना सुनाऊं क्या? अच्छा, मैं तो दिल्ली जाती हूँ, मेरे को कोई ऐसे, मैं लेकिन जियो लेती हूँ हमेशा। यार अनुपमा, मैंने गाना सुना दिया ना, मैं मजाक कर रही थी, तो मेरी आवाज का जो भ्रम है ना सारा खत्म हो जाएगा। तुम जल रहने दो, सबके सब भाग जाएंगे, स्टिकर आने बंद हो जाएंगे, सैलाब आ जाएगा, सैलाब। हाय,
अरे मैं मजाक कर रही थी शकीला। हाँ मेरे को तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि एयरटेल नहीं जियो लो। नई जमीन मैं यूएस में हूँ। नहीं शेल्डू मैं मुंबई आई हुई हूँ बहुत बार लेकिन मैं यूएस में हूँ। शकीला अहमद आप ऊपर आके गाना गाए चलें, आपकी आवाज भी सुनेंगे। आप कभी ऊपर नहीं आते ना, आज ईद पे जो जो ऊपर नहीं आता सब एक एक करके ऊपर आएगा। थैंक यू शकीला। चलो अब आप ऊपर आओ, इसी बात पे आपकी आवाज भी सुनते हैं। हाँ बोलो, क्या हो गया भाई? मैं बोल रही हूँ ये जितने लोग कभी ऊपर नहीं आते आज ईद है सब ऊपर आएंगे, चाहे सिर्फ हेलो कह के चले जाएं। गिला ए चम्मच। हाँ आ जाओ यार ऊपर। हाँ शेल्डू पर जियो का ना दिल्ली में आता है, मेरे को दिल्ली में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। जबीन कह रही है तुम गाओ हम नाचते। नॉटी गर्ल जबीनू, क्यों नाचोगी जबीनू? हाँ अच्छा बिल्लो अम्मी की तरह नाचेगी सभी। हाय हाय। और मैं और ये अपनी शबनम ना बिल्लो की बेटी की तरह पैसे लुटाएगी। अनुपम कह रही है आरएस मेरी बहन जियो भी था गुजरात का, यहाँ आकर मर गया शायद 5G भी। अच्छा अनुपमा तुम्हारा भी चैनल है ना, तुम कुछ डालती नहीं वीडियो वीडियो? पहले तो डालती थी। अच्छा हाय हाय देखना आरजू ने क्या लिखा है। शबनम पढ़ो आरजू ने क्या लिखा ईद है। के दिन भी छुट्टी नहीं मिली इसलिए खीरे से तोबा तोबा तोबा। मैंने तुम्हें जोर जोर से पढ़ने को थोड़ा बोला लाहौल ब्लॉक था। बाप जब रे ये मैंने को देखो, अरे मैंने लाइक नहीं ठोका, कसम से मैं सबसे पहले लाइक करती हूँ शकीला आते ही। पार्टी करेंगे जी कल जी, दीदी शबनम जी के साथ साथ इंशाल्लाह। कल पार्टी करेंगे शबनम, कल सब अपने दोस्तों को बुला लेना। कौन से दोस्त यार? आप ही लोग तो हो मेरे दोस्त। हाँ हम सब कोई। अब मैं क्या करूं बताओ? फोन करूं कि तार भेजूं, कैसे बुलाऊं? लाइव ऑन होएंगी तो आ जाना ऐसे ऐसे सब। दोस्तों को बुलाना जैसे जिन जिन दोस्तों को देखे बस आग लग जाए पूरी वाइटी पे, तूफान हाय हाय आ अल्लाह जाए, रहम करे। बिजलियां गिर जाए, टोर्नेडो आ जाए। अच्छा बोलूं लाइक? अरे भाई लाइक कर दो, कितने सारे लोग देख रहे हैं। एक बार मैं देखती हूँ कैसे पता चलता है कितने लोग देख रहे हैं 129 है। और लाइक कितने हैं।
एक मिनट, 74। हाँ देखो कितनी गलत बात है ना, देखो 74 भाई, लाइक है, देखो जरा। आत्मा जी, एनी जी, तोतली जी लाइक कर दें प्लीज, सिर्फ देखे नहीं। जितने भी है ना, ये आत्मा, मेरे को ज्यादा नाम नहीं पता, बाजी, खालदा, सारे लाइक करें। देखो ना क्या क्या लिखते हैं सारे। अनुमेया बोल रही है किस दिन पिटारा आएगी आपकी लाइफ में और बोलेगी मैं जीजा जीजा चिल्लाऊंगी कुर्ता फाट अच्छा के। हाँ शकीला, उसका भी आना तो बनता है। अगर सही आग लगानी है तो मेरे को सबसे ज्यादा हंसी कल आई थी, शबनम जब रोमा आके बोलती है मेरी हाजिरी लगा लो। परसों परसों। हाँ परसों। परसों वो एक्चुअली मैं कभी कभी बाद में भी देखती हूँ ना, फिर से रिवीजन करने के लिए। जैसे गुड्डू भाई का आदमी रोमा बिया इकरा फरिया खाने सब हो पैनल पर, क्या बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अबे हार्ट अटैक हो जाएंगे अनुपमा, वो सारे आ गए तो बॉम्ब चल ब्लास्ट ना ही अभी, करने अन्नू हैं। ईद हो गई है ना, अपुनी चले चलेंगे कहीं ना कहीं। वालेकुम हाय कितने तीर चलेंगे खंजर। सलाम शबाना सिस्टर, खैर मुबारक, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। हाँ ओए लाइक ठोको, ओए सब जने लाइक ठोको, बड़बे सही बोल लाइक रही है कर। मुस्कान। मुबारक वाल, इंडिया में भी है और वहां पे भी है ना। एक मिनट यार, सुकून नहीं है भाई, लोगों को सुकून नहीं है। क्या हो गया? हाँ लाइक करो, कितने लाइक हुए, चलो मैं लाइक भी गिनूंगी। कितने लाइक हो गए? बस फिर मैं पक्का बोल रही हूँ, बाकी जो बचे हुए लोग हैं ना सीसीटीवी हैं। फिर इसका मतलब शबनम, अगर 81 लाइक है और 100 एंड समथिंग देख रहे हैं तो बाकी के तो सीसीटीवी ही हुए ना फिर। हाँ कुछ हमारी बहनें भी है यार जो थकी हुई है, कान में एयरबड लगा के सो गई हूँ। यार पर एक वालेकुम अंगूठा लगाने सलाम में कितना बड़े जाता है? सिस्टर, नहीं यार नहीं लाइव किसी में के काले घुसने जादू से से पहले कुछ लाइक नहीं करो। होता। सुनो मुस्कान यार, पता है ना ईद का दिन है आज भी और कल भी, तो सब थके हुए हैं, सब बिजी है यार, हाँ ये तो है है, ना। सब अरे बिजी हैं, सब बिजी होते हैं यार ईद के दिन। और ये जो वही क्या हुआ है कि अलग अलग दिन दिन है ना, सारी अलग अलग जगहों पे, 3 2 दिन 3 दिन चली है। यूके में पहले हुई, फिर कहीं कहाँ हुई, फिर इंडिया में अब होगी, है ना? पाकिस्तान में कल हुई, अब इंडिया में होगी, तो आप सोचो सब बिजी होंगे ना। नहीं, सब जगह आज ईद थी, हो गई मतलब सब जगह, खाली हाँ तो इंडिया यूके में में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में खाली कल है, बाकी सब जगह हो गई, सब में कल हुई है ना। जगह एक ही दिन थी ना, पाकिस्तान में बाहर। अरे यूएस में आज थी 10 तारीख को। अरे तो 10 की बात कर रही हूँ ना मैं, 10 को ही तो थी अच्छा हाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान में भी। पहले 10 हो गई। हाँ सही बात है, लेकिन थक तो गए होंगे ना फिर भी शबनम।
वही बोल रही हूँ, सब जगह पे आज ही ईद थी ना 10 तारीख को, तो और जब ईद होती है थके तो यार हुए। ईद से पहले भी थकान हो जाती है और ईद के बाद भी सब समेटना होता है, अब कितना कल काम है ना, होता सब है। जने है ना, जहाँ जहाँ ईद हो गई है ना 10 को, कल वो सब निकल के आएंगे और इंडिया वाले सब कल गायब रहेंगे। अच्छा कल इंडिया में क्या है कल? अब कल इंडिया अच्छा 11 तारीख ईद को है, इंडिया हाँ में है इंडिया में ना, ही रहे। यार मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ बिल्कुल। हाँ कल इंडिया में ही रहे। हर जगह हो गई आज ईद। हाँ वही ना, हाँ पर ये मैं कह रही हूँ कि ईद के बाद भी बहुत होता है ना, जो तुम लोगों ने स्पेशल बर्तन वर्तन निकाले होते हैं उनको साफ करके वापस डालना होता है ना, कई लोग हाँ। स्पेशल करते हैं सब कुछ। अच्छा दिल्ली में कल ईद हो गई, कल है। हाँ पूरे इंडिया में कल है ना, 11 तारीख मॉम्स लाइफ को ईद जाग गई हो रही। जाग गई। मैं जागी हुई थी, बस थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वो सब अलग अलग बोल रहे थे ना, आज हमारी ईद है आज हमारी ईद है। हो जाने दो, तो अब हो गई, अभी कहाँ हुई है बहन, ईद मनाने दो सुकून से। हाँ आपकी तो कल होएगी ना? हाँ, लाइव करूंगी ना कल भी। लाइव क्यों बंद करना है भाई, ईद हो या तूफान आए, लाइव तो हम तैरते हुए भी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम जकिया सिस्टर, थैंक यू मेरी जान, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कल मैं बिरयानी बनाऊंगी, पूरा दिन इंडिया में 11 को है। हाँ सही और बोल मीठे रहे हो, में क्या बनाओगे शबनम? मैं तो मीठे शेर की फैन कुर्मा। हूँ। अच्छा वही बनता है, हाँ बोल रहे थे कल। हाँ सिर्फ शेर कुर्मा बनता है हम लोग के घर में, वो भी हम लोग घर में खा भी नहीं पाते। जैसे जेठानी के इधर गए, सासू माँ के, हाँ यार मैंने भी सुना था 3 दिन ईद सेलिब्रेट होती है। बाप ऐसी हालत हो जाती है ना कि फिर घर का शिरकुरमा चखे भी नहीं जाता। मेरे घर में कोई नहीं खाता है, लेकिन मैं जरूर खा लेती हूँ भाई। और क्या, इतनी मेहनत चलो से तो बनाओगे तो समझ रहे खाओगे भी थे ना। कि रमजान के बाद तुम जुनूनी शेरनी बन के जागोगी, लेकिन तुम तो आज बहुत ठंडे दिमाग से आई हो, हम इंतजार कर रहे थे रमजान जाने का। थैंक यू पाकिस्तान भाई, डार्क मेरी अभी अभी जान। आई है? मैंने तो इसको बहुत देर से देखा ही नहीं। वो सी नहीं, अभी नहीं आई है, वो थी यहीं पे, लेकिन वो रह रह के सीसीटीवी बन जाती ना। अच्छा। थैंक यू मेरी जान जकिया सिस्टर, थैंक यू मेरी जान। चलो शबनम मैं भी चलती हूँ यार, 6 बज गए, कुछ खाना वाना बनाए। हाँ क्या करोगी, खाना बना के रहने दो। कहीं से मेरी किस्मत में हुआ तो आज खाना। हाँ आप पिटारा की डांट के तरह, देखती हो, ये बात सच है कि नहीं है कि किस्मत में होता है तो मिल जाता है? खाना नहीं बनाती, चुपचाप बैठी रहती हूँ लाइफ में, देखती हूँ कोई ले आएगा नहीं मेरे लिए वो तो खाना। आएंगा ही आएगा ना, हस्बैंड आने के बाद बोलेंगे क्या पकाई, बोलेंगे कुछ नहीं, चलो भाई बाहर से चलो लो, ऑर्डर करो। आना तो ही है खाना। फिर ये बोलोगी कि मेरी किस्मत में था, ऐसा थोड़ी चलता है। ये फिर हस्बैंड बोलेंगे किस्मत नहीं, ये तो तेरी गुंडागर्दी चल रही। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि क्या बनाए आज, है ना? होता है तुम्हारे साथ रोज ऐसा होता है यार, रोज होता है। रोज तीनों टाइम, है ना, कि क्या बनाए? हाँ रोज होता है, मैं तो मेरे हस्बैंड के पीछे लगे रहती हूँ, प्लीज बता दो क्या बनाऊं। यार और जब तुम्हारा हस्बैंड ये बोल दे कि जो तुम बनाओगे खा लेंगे तो फिर तुम क्या नहीं नहीं करोगे? ऐसे नहीं बोलते, वो बोलेंगे कि कुछ भी बना दे, पहले तो बोलेंगे क्या बनाएंगी, मैं बोलती हूँ यार वही तो पूछ रही हूँ क्या बनाऊं, फिर बोलते कुछ भी बना दे छोड़, फिर बोलेंगे ये बनाएंगे, मेरे बच्चे नहीं खाते, ये बना दे मेरे को पसंद नहीं है, ये बना दे नहीं इसमें तेल ज्यादा होता है, तो फिर पूछ क्यों रही है। बनेगा तो वही जो शबनम चाहेगी। फिर वही मतलब कि फिर वही ना जो मैं पहले से सोच हाँ के सही में मॉम रखती। लाइफ, सारे हस्बैंड कहते हैं कुछ भी। हाँ कहते हैं लेकिन फिर खाते नहीं है भाई। हाँ
रोजा होता है, आज क्या बनाएंगे? अच्छा, रोजा होता है, ईद वाले दिन नहीं होता भाई, ईद वाले दिन रोजा है हमें। वो पूछ रही है रोज होता है आज क्या बनाए, रोजा होता है थोड़ा। क्या हो गया शबनम तुम्हें? हाँ, रोज होता है लिखे। चलो भाई, तुम कोई नींद बात में हो नहीं, शबनम, जाओ सो जाओ थोड़ी देर। हम तुम्हें ना कुछ भी रेसिपी बता दो। थैंक यू जग रजिस्टर, खैर मुबारक। सबका यही हाल है यार। खाना बनाने के लिए कंठाला नहीं आता है, मैं सोचने के लिए कंठाला आता है कि बनाए तो यार बनाए ये क्या सब्जी। मुस्कान भी क्या क्या लिखती है, माय गॉड। मुस्कान पागल हो गई है। सब्जी रहेंगी ना तो बच्चे लोग गिनी चुनी सब्जी खाते हैं, वरना नहीं खाते। हाँ, जो जैसे पालक है, मेथी है, सेपू की भाजी है, ये सब है ना, तो ये सब खा लेंगे। ठीक है, गोश्त मच्छी ये भी बच्चे खा लेंगे, चिकन वगैरह। लेकिन रोज रोज चीजें खाए नहीं जाती है ना, दाल भी खा लेते हैं, बस सब्जी के अंदर है ना भाई, बच्चों के मुंह बन जाते हैं। यार शबनम आज ये जो असगर भाई की जवाब होता कम्युनिटी है ना, देखी थी, उसे पे बात करे। आज कौन सी कम्युनिटी लगी है? कल की बात कर रही हूँ, कल जो लगी थी ना। कल की बात कर रहे हो? कल की कम्युनिटी पे कल बात कर लिए थे। सिस्टर मेरी जान, प्लीज मुझे बताओ ये कुछ भी कहाँ मिलता है। सच में हाँ, यार ये ये बात सबसे सच घटिया है ना। जवाब होता है कुछ भी। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना जब बोलते हैं कुछ भी बना लो। सही बोल रही है, सही परेशान हो रही है ये। ऊपर चली गई पता नहीं कौन। हेलो, हाँ मुस्कान हो गई है शबाना पागल। श्रीवास्तव, बात सुनो कि अब मेरा फोन डेड ही होने वाला है अब तो। मैं गायब हाँ, हो गई तो जाओ, मैं समझ भी जाना। बंद करने लगी हूँ। मैं भी हाँ जाती मेरा हूँ, फोन बिल्कुल ना दूध वो गर्म टू करूँ। परसेंट था। हाँ, मैं भी जा हाँ रही हूँ, कल दूध मिलते गर्म हैं, करती हूँ। पार्टी शार्टी करते हैं कल शबनम। मैं सोच रही हूँ गुलाब जामुन के साथ कुछ और भी ले आऊँ कल। क्या चाहिए नहीं, बोलो, अभी कबाब? अभी अभी पार्टी के लिए टाइम है। अच्छा है अभी। यार तुम मेरे खराब कराओगी गुलाब जामुन, कसम से। फ्रिज में रख दूंगी अब मैं, कल कुछ और ले आऊंगी, ऐसे ड्राई से नहीं अरे जो तो खराब हो खिलाना जाए। थोड़ी है, फेंक के मारना ही तो है। ठीक हाँ फिर तो सख्त होने दो, पड़े पड़े बदबू भी मारने दो थोड़ी सी। मजा आएगा, जैसे पिटारा में से स्मेल आती है ना वैसी स्मेल आएगी। उठा उठा नहीं, के मैं कहीं मारेंगे। नहीं गई डार में। चलो भाई चलते हैं अपने घर मेरा को। थोड़ा सी टाइम रहता है, फिर बंद करती हूँ मैं। अच्छा कितना टाइम है? चलो आप तब तक कमेंट्स पढ़ो आराम से, मैं चार्जर ढूंढती हूँ पता नहीं कहाँ है। ठीक है, बाय ठीक बाय है, 3 दिन एवरीवन। बाद नहीं अन्नू, मेरे ख्याल से 17 तारीख या 18 तारीख को होगी पार्टी तो, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है यार। तिवासी वाले दिन मैं बाहर जाऊंगी, फिर वहां से मैं 2-3 दिन के बाद आऊंगी शायद। 2-3 दिन के बाद आऊंगी, इसके बाद ही कुछ होगा। और वो भी मैं एक लाइव पहले करूंगी, अपनी सभी बहनों से मैं पहले पूछूंगी कि करनी है कि नहीं करनी है। अगर हाँ बोलेंगे तो करेंगे, ना बोलेंगे तो फिर जाना है, तो क्या करना है, तेल लेने जाए। फिर जो आगे आने वाला तूफान है ना, देखते हैं भाई। दुआ करो बस कि सब मान जाए। हाँ, हमारी शांदना डार्लिंग,
सभी को मैंने मिस की, लव यू सभी को, जो जो नहीं आया था आप सबको लव यू और मिस यू यार। हाँ नू करवाऊंगी। हाँ डार्क तैयारी हो गई है, बस अभी ड्राई फ्रूट को थोड़ा रोस्ट करूंगी, दूध गरम करूंगी, ये सब करूंगी, फिर देखूंगी शीरकुर्मा बनाऊंगी, फिर आगे के काम थोड़े थोड़े करके करती हूँ। चलो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे, हमें याद रखना, लाइव को लाइक कर देना और सभी को फिर से एक बार ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, ईद की बहुत सारी बधाई, और सब जने दुआ में जरूर याद रखना। चलो सब जने अल्लाह हाफिज कर दो यार। क्या ईद का शॉर्ट डालूं यार, दिख नहीं रहा यहाँ पे, सबको सौतन बनने का शौक आया है मेरी, ये हरामजादियां मरे कहीं जाके खपे ना, फिर डालूंगी। नहीं नहीं क्यों डिस्टर्ब होंगे यार, मेरे को कौन सा बैंड बाजा बजाना है कि लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके ओके अल्लाह हाफिज, सभी को अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय। देखूंगी डार्क इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज जी एन, बाय बाय।